विष्णु विष्णु पादय शोध श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात बड़े सिद्धा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद शोधर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण शरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्ला हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री मनु महाराज जी के दो बेटे और इनकी तीन बेटियां हुई है। तीन बेटी में एक बेटी का नाम है माता देवती। जब श्री कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिए, बोले बेटा वर मांगो, बोले ठाकुर जी आपकी चरण में हमें भक्ति, आपकी चरण की हमें सेवा प्राप्त हुई हो। बोले तथास्तु। बोले और कुछ चाहते हो? बोले मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं घर गृहस्थी की, लेकिन आपकी इच्छा है ये संसार का तरफ बढ़नी चाहिए, इसलिए आपकी इच्छा को जान करके मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन दो शर्त है। बोले बता, अगर आप मेरे बेटे बहन के लिए आओगे तो मैं शादी करूंगा। आप बताओ मेरे बेटे बनोगे? भगवान बोले जरूर मैं बेटा बनूंगा। देखो गृहस्थी का कभी सार्थकता है अगर घर में भगवान नहीं तो उनका कोई भक्त अगर घर में जन्म लेकर के आए ना, बात तो घर नहीं कोई हरी भगवान की धाम बन जाती है। बोले ठीक है, तभी मैं गृहस्थ धर्म को मैं पालन करूंगा। बोले दूसरे शर्त किया है, बोले तब तक रहूंगा जब तक संसार में मेरे बच्चे नहीं हो जाए, उसको बाद में फिर घर में नहीं रहूंगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है पचास ऊर्धे बनम ब्रज, 50 साल के बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए उसको बाद में जो अंक आता है एका बन बा बन चौ बन मतलब घर नहीं वृंदावन, कहाँ जाना वृंदावन। इसलिए वृंदावन में जाकर के पति पत्नी दोनों मिलकर के सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की भजन करनी चाहिए। बोले तथास्तु है। अभी देवती को साथ में कर्दम ऋषि की शादी हो गई, शादी को बाद में फिर वो घर में गृहस्थ में डूब नहीं गए, फिर भगवान के भजन में बैठ गए। और माता देवती अपनी पतिव्रता धर्म को पालन करते हुए पति की बड़ी उसने सेवा की। बोले कितना साल तक भजन में बैठे? बोले 10,000 साल तक। कुछ तो खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। जब पति भोजन नहीं करता है, पत्नी कोई भोजन कर सकती है? इसलिए ये धर्म नहीं है। अपने रसोई बनाओ, बच्चों पति को नहीं खिलाए, बच्चों को नहीं खिलाए और खूब भोजन कर दिया, ये धर्म नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म को पालन करते हुए उसने पति की बड़ी उसने सेवा की। पहले सही था कि गड़बड़ कर हाथ की बार बार लगाते हो, सीट नहीं देनी चाहिए, इसलिए आप चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा हाथ मत लगा जाओ, पहले सही था। इसलिए उन्होंने पतिव्रता धर्म को जाचन करते हुए पति की सेवा की। तो जब 10,000 साल को बाद में उनकी आंख खुली, उन्होंने ये भी भूल गए मैंने कभी शादी की थी, सामने देखा एक बुढ़िया बैठी हुई है। बोले तू कौन हो? बोले आप भूल गए हो कभी शादी किए थे? बोले वो तू वही देवती? बोले हाँ मैं वही देवती हूँ, लेकिन पति की सेवा करते करते एकदम बूढ़ी हो गई। ये इतनी सुंदरी थी, आंखों की देवती प्रसूति, जब ये अपना आंगन में खेलती थी स्वर्ग के देवता लोग भी जिनको देख करके मुक्त हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। लेकिन आज उसने पति की सेवा करते 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 बूढ़ी हो गई। देखो जो माताएं अपना पति की सेवा करती है इसका कितना महत्व, देखो पतिव्रता धर्म को साथ में। बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? बोला था ना
अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। बोले हाँ। बोले ठाकुर साहब हमारा बेटे ही नहीं बने। बोले ये काम बन जाओ, ये बिंदु सरोवर से स्नान करो। स्नान करते ही वो पहले जितने सुंदरी थी उससे भी ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई। हजार दास दासियां प्रकट हुई, उनकी केश पर सवारी, उनकी सुंदर श्रृंगार की। तब श्री कर्कम ऋषि ने एक विमान प्रकट किया जिसका नाम है कामक विमान। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अभी जो साइंस ने आर्भाद की है, अगर शास्त्र पढ़ करके देखोगे पहले जो साइंस है अभी से भी ज्यादा आर्भाद है। रावण का पुष्पक विमान देखे होंगे ना, सीता को जिसमें बैठा करके उतार ले गया, कैसे दिव्य ये विमान है। ये विमान बताया कितने क्रोश तो ये विमान थी जिसमें सुंदर राज, सुंदर सरोवर, सुंदर राजमहल, सरोवर में राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, जिसमें बैठने पर कोई भूख प्यास नहीं लगी, जिसमें बैठो तो कोई बूढ़ा और कोई बूढ़ी नहीं होगी, जिसमें गर्मी नहीं ठंडी नहीं। आप बताओ अभी कोई ऐसा विमान क्या है, नहीं है ऐसे विमान। और उसमें बैठ करके दोनों पति पत्नी आकाश मार्ग में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते उनको नौ को कन्या हुई। कर्तव्य ऋषि बोले देव से अभी तो खुश होगी ना, नौ को कन्या होगी। बोले नहीं बेटिया तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगा। तब उन्होंने पति की सेवा की तो भगवान स्वयं कपिल मुनि बन करके आए। बोले श्री भगवान कपिल देव की। लेकिन उन्होंने भगवान से वरदान मांगे थे, तब तक रहूंगा जब तक घर में बच्चे नहीं हो जाए, अभी ये भगवान के भजन करने के लिए चल पड़े। तब हमारी टीकाकार लोग प्रश्न करते हैं, बोले भैया भजन करने तो किसको जा रहे हो भजन के लिए। बोले भगवान को। बोले भगवान को तेरे घर में बेटे बन कर जाए, तेरे घर में भगवान को छोड़ करके जंगल में क्यों जा रहे हो। यहाँ पर शिक्षा देते हैं जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करें, साधन नहीं करना, साधन के बगैर कभी साध्य बोले भगवान कभी मिल नहीं सकते हैं। बगैर साधन के, बगैर भक्ति के अगर भगवान भी मिल गए हमारी कोई लाभ होने वाला नहीं। क्योंकि रावण भी तो राम को देखा, मेघनाथ ने भी तो रावण को, राम को और लक्ष्मण को देखा, लेकिन क्या किया उसने, लक्ष्मण को ऊपर में शक्ति सेल प्रहार की, राम लक्ष्मण को नाक पास बंधन में बांध दी, रावण को सभी माता सीता को उठा कर ले लिया, कितना दुष्कर्म उसने किए। तब इनकी हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हृदय में इनकी भक्ति नहीं। कंस ने कृष्ण को देखा, जिंदगी भर मानने के लिए कोशिश की, कृष्ण सामने खड़े हुए, शिशुपाल काली को ऊपर काली निकालते जा रहे हैं, 101 काली भगवान को दिया है, तो इनके कल्याण के नहीं हुआ, ठाकुर तो मिट गए थे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर तुम्हारी हृदय में भक्ति नहीं है, अगर भगवान मिले तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए क्या करो, भक्ति करो, भगवान की भजन करो। अरे कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय बताए, कलयुग में क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे बेटियों की शादी दी होगी ना, कौन कौन बेटियों की शादी दी है आप देखना, एक बेटी को शादी में घर खाली हो जाता कि नहीं, इतने दहेज जाता है। आज जिनकी घर में नौ नौ बेटी होगी बताओ फिर क्या हुई। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं
कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, ठाकुर जी सब व्यवस्था ठाकुर कर देते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटों को लेकर के अपना कर्तव्य से मिलने आए। देखे इनके पास में 9 बेटियां और उनको पास में 9 बेटी, बोले थोड़ी तो बहुत प्यारी है, बोले सुबह में शीघ्र सुबह का जल्दी कर देनी चाहिए। और उन्हें 9 बेटियों को उन्होंने एक साथ में शादी दे दिया, पूरा घर खाली हो गया। घर में केवल रह गए माँ और बेटा। लेकिन माँ को पता मेरा बेटा भगवान है। देखो ये ज्ञान क्या चीज होती है, जिसको अंदर में ज्ञान होना, वो ज्ञान की इतने महिमा है, उसको सारा दुनिया में ये ज्ञान उसको सर्वश्रेष्ठ बना देता है ये ज्ञान उसको। एक दिन माँ आकर के अपना बेटे को पास में हाथ जोड़ करके कहती है, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, कभी पियर में, कभी बेटा में, कभी बेटी में, कभी परिवार में, मेरी मन भटकती रहती है, इसलिए बेटा मेरे को ऐसे कुछ ज्ञान की बात बताओ जैसे मेरा बेड़ा पार हो जाए। भगवान ने अपना माँ को उपलक्ष्य करके कहते हैं, बोले माँ, बोले मन एव मनुष्यानां कारण बंधु मोक्षेव, बोले माँ जो मन है यही बंधन का कारण, यही मुक्ति का। जब ये मन को मनमोहन में लगाओगे माँ, ये मन मुक्ति के कारण बने। लेकिन इसी मन को जब तुम विषय में लगा दोगे, ये मन बंधन का कारण बनेगा। इसलिए माँ एक काम करो, बोले स्व एव साधु सुकृत्य मोक्ष द्वार पापावृतम। अगर किसको साथ में प्रीति करना है, ध्यान देकर सुनो, भगवान अच्छी बात कहते हैं, भैया सबको साथ में प्रेम मत करो, ऐसे नहीं अड़ोसी पड़ोसी को साथ में बैठी करके बहु बेटियों की जिंदगी भर बहु बेटियों की चुगली करना शुरू कर दो, नहीं। भगवान कहते हैं बोले सौ एव साधु से कृत्य, अगर प्रेम करना है ना, प्यार करना, तो संतों से ही करो, क्योंकि संतों को साथ में बैठोगे तो तुमको भक्ति की बात बताएंगे, भजन की बात बताएंगे, हरिनाम की बात बताएंगे। अगर दुनियादारी लोगों को साथ में बैठोगे तो क्या करेंगे, सारा दुनिया की चुगली निंदा में जीवन बिताओगे। इसलिए भगवान कहते बोले महाराज, बोले सौ एव साधु से प्रीति करो, ये संतों को साथ में प्रीति करो, क्यों, ये जो संत है ये जीवन का वृद्ध है संत, क्योंकि ये संपूर्ण जीवन इनकी प्रभु की भक्ति में बीतने वाले। इसलिए शास्त्र में बताया जो सही संत है उनकी 9 लक्षण है, कितना लक्षण है, जोर से बोला, बोले क्या क्या, देखो, बोले शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गान सदा रुचि आसक्ति तत् गुणाख्याने प्रीति तत् वसति स्थले। कहते इनकी 9 लक्षण क्या है पहले संतों का, बोले शांति, शांति मतलब होता है भले ही जीवन में जितने बड़े विपत्ति क्यों नहीं आ जाए, कभी भी गुरु का हृदय भगवान से कभी अलग नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ी बड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, भोजन नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, जान तो क्या पहले छोड़ देंगे, माला छोड़ देंगे, भजन छोड़ देंगे। बोले प्रभु तुम्हारी इतने भजन किया, तुमने मेरे साथ नहीं से किया है, पहले भगवान के भजन छोड़ने के लिए पहले हम तैयारी बैठे, ये माला कब छूटे, भगवान की भजन कब छूटे, लेकिन घूमना नहीं छूटेगा, बहुत सोना खाना छूट जाती है, नहीं छूटती है। इसलिए संतों का पहला लक्षण है तितिक सबब, सहन शक्ति होनी चाहिए। इसलिए बोले शांति अव्यर्थ काल त्वम, कभी भी समय को ये बर्बाद नहीं करते हैं, बैठ करके दुनियादारी की चर्चा कभी नहीं करते हैं। मत कथा मत कथा चिंता बधयते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त हैं आप
आपस आपस में मेरी चर्चा, मेरी कथा, मेरी भजन छोड़ करके और कोई बात दुनियादारी करते नहीं। तुष्टी चरमंती च, यही इनका जीवन का सार है। इसलिए संत हर समय खुश रहते हैं। बोले क्यों खुश रहते हैं? बोले वो आनंदमय का चिंतन करते हैं ना। जो आनंदमय का चिंतन कर वो आनंद ही आनंद रहेगा। और ये संसार दुखालय है, दुख का घर है। अगर संसार की बात करोगे तो दुखी दुखी मिलेगा है। इसलिए क्या करो, शांति अव्यक्त का लखम। बोले विरक्ति मान शून्यता, सांसारिक वस्तु से विरक्ति रहते हैं, कभी किससे मान की इच्छा नहीं करते, सबको ये इज्जत देते हैं, सबको ये इज्जत देते हैं। इसलिए यहाँ पर संतों की माँ बोले, भगवान कहते बोले माँ अगर संतों की संग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो क्या करो संतों की, भगवान कहते माँ संतों की संग करो। संतों के संग के बगैर बिनु सत्य संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ नाश होई। भैया जब तक भगवान की कृपा नहीं हो संतों के संग भी नहीं मिलता है। और संत संग मिल गया तो भैया समझो तुम्हारी बेड़ा पार है। इसलिए श्री विभीषण जब हनुमान जी से मिले क्या कहते हैं, आज मय धा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं सकता। क्यों रघुबीर मोये अनुग्रह दिनी तो मई धर सजनी। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हुई है, इसलिए लंका को बीच में भी आज मेरे संतों का दर्शन मिला है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए उन्होंने बोले संतों के संगत से ही कल्याण होगा। इसलिए कहते बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संपिदं भवति हितकार नरसायन तथा आज्वसन आगो अपवर्ग बन्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रम चतु। श्रीमान जब संतों के संग करोगे कथा सुनते सुनते अपने आप मेरी चरण में श्रद्धा, फिर भक्ति भाव, फिर कथा सुनते सुनते मेरी प्रति तुम्हारी प्रेम हो जाएगी। इसलिए संतों का संग वर्ग तो क्या होगा, बल अपवर्ग बन्मनि। प वर्ग मतलब होता है प फ ब भ और म। बोले प में बोले परिश्रम, बोले फ में फेर ध्यान, प में व्यर्थता, भ में भय और म में मृदु। अगर संतों का संग करोगे ना भगवत सागर से पार हो जाओगे माँ है। इसलिए सारे दुख कष्ट से निवृत्ति हो जाएगी। उसने बोले माँ, तब फिर उन्हें वर्णना करते हैं, जब मातृगर्भ में बच्चा का 7 महीना हो जाता है, 1000 सालों की याद आती है, पूर्व जन्म में मैंने कैसे झूठ बेईमानी करके पैसा कमाए और उसका सारे कर्मों का फल मेरे को भुगतना पड़ रहा है, कहाँ मेरी पत्नी, कहाँ मेरे बच्चे, कहाँ मेरे पति, कोई तो है ही नहीं यहाँ पर। उसको पता चलता है ये संसार मतलब का संसार है, संसार में कोई किसी की नहीं। तो वो ठाकुर जी को पुकारते हैं, बोले ठाकुर जी मेरे को जल्दी से जल्दी नरक से निकालो। भगवान बोले बताओ अभी क्या करोगे। बोले एक बार अगर संसार से निकाल पेट से निकाल दोगे ना, मैं कसम खाता हूँ कभी भी ये झूठे संसार में मैं फंसूंगा नहीं। उठते बैठते सोते दिन भर तेरे नाम को जप करूँगा। भगवान बोले ये तो नहीं,
दुखों कष्ट में पा करके बोल रहे हो भजन करोगे, जब यहाँ से निकल जाओगे ना बोले भगवान भगवान कौन जानता है, भगवान कौन होता है, यही सत्य नहीं करोगे बोले प्रभु नहीं करूंगा, बोले तेरे को बीच बीच में वार्निंग दूंगा, बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए ना ये बड़े फर्स्ट वार्निंग, अब ध्यान दे करके देखना जब बाल पकता है यहीं से कान में पहला वेद दे दिया, बोले माँ के पेट में बोल करके आया था ना भजन करोगे, कितना भजन कर रहे हो, कितना समय टीवी देख रहे हो, कितने समय सास बहू की चर्चा चुगली कर रहे हो, इसलिए कान को पास में एक बाल पकता है हमको उखाड़ देते हैं, बोले हम इतना जल्दी बुढ़ा बुढ़िया बना रहे हो अभी और कुछ नहीं हुआ, दूसरे बाल पक जाए उसको उखाड़ देंगे, जब खिचड़ी हो जाते हैं ना बाल पर टाई फिर कलर कर देते हैं, बोले हमारा भी कुछ नहीं हुआ, बोले दूसरा बार नहीं दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आंखों में कमजोरी आ जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा पहन कर घूमे, फिर तीसरा बार नहीं दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर डेंटिस्ट को पास में जाकर फिर 32 दांत लगा देते हैं, बोले अभी भी मेरा कुछ नहीं हुआ, बोले तेरे को फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले दो पैर से तीन पैर कर दूंगा, फिर डंडा पकड़ना पड़ेगा, इसे वार्निंग है, कहते मेरे फिफ्थ वार्निंग नहीं दूंगा, पंचमा वार्निंग नहीं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, कहते ये एक एक वार्निंग है, एक एक ये वार्निंग है, लेकिन भगवान कहते बोले माँ अगर ये जीवन पर आकर के इसका जीवन सुधर गया तो ये जन्म जन्मांतर का जितने दुख कटते है सबके सब पार होकर के वो ठाकुर के पास में चले जाएगा, अगर माँ भजन नहीं करता है फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 84 लक्ष्य में भटकना पड़ेगा, इसलिए जब जीव मर जाता है हमारे भारत में संस्कृति है 13 दिन के बाद में शुद्धि क्रिया होता है, कितने दिन बाद में 13 दिन क्यों होता है आपको पता है, आप देखना कभी कभी मरने का बाद किसी किसी घर में गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, पढ़ते सुने होंगे, सुने गरुड़ पुराण, वहां पर साल की क्या है, उस पर एक बेहतरीन नदी पार करना पड़ता है, जो नदी केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है, उसको पार होने के लिए उसको 13 दिन लग जाती है, वहां पर बंधना आती है, उसको घोड़े मार मार कर उसको पार कराते हैं, इसलिए देखना जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सड़ सड़ करके मरता है दुख पा करके बोलते हैं ना उसको नाम पर गैया गाते तो वो गैया की पूछ पकड़ करके ये बेहतरीन नदी जल्दी जल्दी पार हो जाए, लेकिन ध्यान देकर सुना भगवान कहते हैं बोले किसको ये बेहतरीन नदी पार करना पड़ता है, बोले जो हरिनाम नहीं करते, जिसकी गले में तुलसी कंठी नहीं तिलक नहीं वही व्यक्ति को ये पार करना पड़ेगा, अगर गले में कंठी तिलक होना तब भी ये बेहतर नदिया पार नहीं करोगे, क्यों जब स्वयं जब तो कहते हैं जिसकी गले में कंठी तिलक देखना प्रणाम करो समझना ये ठाकुर जी आ ये ठाकुर जी की भक्त है, फिर वो बेहतरीन पार होने का बाद फिर उसको 84 नरक में जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे उसको फल रोकना पड़ता है, जब उसको साफ सुथरा हो जाता है ये नरक मतलब क्या है, ये धोबी घाट है, जैसे कपड़ा जैसे महिला होने पर धोबी को दे देते हैं ना वो साफ कर देती है, ये 84 नरक ठीक वैसे ही है, कर्म के अनुरूप जीव फल भोगने के बाद उसको कहाँ भेजते हैं चंद्रलोक में भेज देते हैं, फिर ये चंद्रलोक से वो चंद्रमा का किरण को दे करके वो जीव किसी फल को आश्रय ग्रहण करता है, इसलिए कहते हैं ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है, जिसकी भाग्य में जो फल लिखा होगा देखना वो वही फल को खाएगा, दूसरे फल खा ही नहीं सकता है, वो उसी फल को ही खाएगा, और उसी फल को खाने पर क्या होगा, वही जो जीव है वो माँ के अंदर में जैसे पुरुष और स्त्री को अंदर में फल खाने पर उससे खून बनता है और खून से फिर वीर्य बनता है, अब वीर्य बनने पर फिर पति पत्नी का मिलन से फिर पत्नी की गर्भ में फिर बच्चा आता है, गर्भ में ये बच्चा आता है, गर्भ में वो आ करके फिर जगत में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है, इसलिए भगवान कहते हैं बोले माँ बोले अहो बत सपो जतो गैया की।
जत जिहार बरसत नाम तुम हम ध्यान से सुना ठाकुर क्या कहते हैं, कहते महाराज जो व्यक्ति भगवान की नाम जप करते हैं कितने पुण्यात्मा भगवान खुद कहते। बोले अहो अहो मतलब क्या है, जैसे कोई आश्चर्य चीज देखने पर क्या लगे, अरे क्या आश्चर्य बोलते ना, क्या आश्चर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर जी के नाम जप करते, बोले माँ उसकी भाग्य की बात हम क्या बताएं। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में चार काम करके आए हैं वही व्यक्ति इसी जीवन में हरि का नाम ले सकता है। और चार काम किया है, बोले पूर्व जन्म में जितने सारे तपस्या करके जो आए, पूर्व जन्म में जितने दान पुण्य जो करके आए, पूर्व जन्म में जितने यज्ञ जो करके आए, पूर्व जन्म में जितने तरह का तपस्या है, और पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ में जो भ्रमण कर चुका है, भगवान कहते बोले माँ इसी जीवन में वही व्यक्ति के मुंह में भगवान के नाम वही उजागर कर सकता है। इसलिए आप लोग जब माला जप कर रहे हो ना, ये भगवान कहते हैं ये करोड़ों जन्म का पुण्य से कोई प्रभु का माला जप कर सकता है, नहीं तो दुनिया की बात करने लग जाओगे प्रभु का भजन में रुचि नहीं होगी। इसलिए क्या करो, हरि की नाम जप कर सबके सब माला में, हरि का नाम जप कर। भगवान कहते बोले माँ और उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान बताए, दे करके फिर ठाकुर जी चले गए गंगा सागर। और साल में मकर संक्रांति का दिन वो पानी अपने आप नीचे आ जाती है गंगा सागर का, और साल में एक बार भगवान कपिल देव दर्शन देते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री कपिल भगवान की। यहाँ पर माता देवती की कथा गई, यहाँ पर कथा की माता आसुत देवती प्रसूति। बोले श्री प्रसूति की शादी है होती है श्री दक्ष प्रजापति को साथ में, उनकी 16 कन्या उनकी जन्म हुई है, लेकिन उनकी जो सबसे जो छोटी कन्या थी बहुत सुंदर वो थी माता सती। इसलिए ब्रह्मा जी बोलने पर उन्होंने माता सती को शादी श्री भोले बाबा से किए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते परी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कहती ससुर और श्री दामाद में लड़ाई होगी, मैंने कहा नाते इनकी कम उम्र में उनको प्राण त्याग करना पड़ा जवानी उम्र में। तब यहाँ प्रश्न करते हैं भैया भोले बाबा तो सत्यम शिवम सुंदर, वो तो निरंकारी प्रभु की भजन में रहने वाले हैं, फिर इनकी दामाद और ससुर में लड़ाई क्यों हुई। फिर इनकी कथा पर बोले जिस समय पितामह ब्रह्मा जी ये दक्ष को प्रजापति पद में नियुक्त किया, बहुत ऊंचे पद है प्रजापति, इतना प्रभुता पाई का मदनाई, अगर ये प्रभुता पोस्ट ऐसे की चीज है ना, ऐसे कौन सा व्यक्ति जो पोस्ट को पा करके अंदर में घमंड नहीं आ जाता है, इतने अभिमानी हो गए। एक समय प्रयाग में सारे 33 करोड़ देवता उपस्थित हुए थे, और ये दक्ष प्रजापति जान बुझ करके वो लास्ट में आए, बोले क्यों, बोले जब मैं प्रवेश करूंगा मैं देखूंगा सब लोग खड़े होकर के मेरे को स्वागत करेंगे। जब उन्होंने प्रवेश किए सबके सब खड़े होकर के स्वागत कर रहे थे, लेकिन दो व्यक्ति केवल खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और एक शंकर जी। दक्ष प्रजापति ऐसे ऐसे कर देख रहा था यहाँ पर कौन खड़ा हो रहा है और कौन खड़ा नहीं हो रहा है। जब देखा शंकर जी ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, बोले देखो ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो शंकर जी मैं अपना सबसे प्यारी सबसे सुंदरी बेटी सती को मैंने शादी दी, और सबसे सुंदरी थी मेरी बेटी, तब ये मेरे बेटे लगता है, जाना तो मतलब बेटा है, और ससुर जी आए थोड़ा खड़े होकर सम्मान तक भी नहीं दे पा रहे। भरी सभा में शंकर जी को उन्होंने इतने गाली गलौज की, जब गाली गलौज कर रहे थे ना शंकर जी बैठी करके मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी व्यक्ति को गाली दो अगर मुस्कुराए फिर क्या होगा, ज्यादा क्रोध आएगा। तत्समा करके दक्ष प्रजापति बोले देखो ये निर्लज्ज भैया को कोई शर्म नहीं,
बंदर जैसे आग लाल लाल करके बैठा हुआ, शरीर में राख पलटाए, सारा शरीर में बिच्छू सांप लटक रहे हैं, अभद्र सारे भूत पिशाच को साथ में घूमने वाले गया निर्लज होकर बैठा हुआ है। ऐसे गाली दे रहा था शंकर जी को। वहां पर नंदी जी थे, बोला हरिहर निंदा सुनई जे काना, वही पाप को घात समाना। बोले शंकर जी अगर तीसरे नेत्र को खोल देना विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता है। ये चुपचाप बैठे हुए और तू बकबक 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 करते करते जा रहे हो। बोले तेरे को अभिशाप देता हूँ, तेरे सर कट करके तेरे सर पर बकरी का सर लग जाए। जब इतना बात बोले, इतने में वहां पर कौन बैठा हुआ था? वहां पर बैठा हुआ था भृगु ऋषि बैठा हुआ था। बोले बोले क्या, तो बीच में कौन होता है? ये ससुर दामाद का लड़ाई होता है, हो रहा है, तो बीच में कौन है जो गला कट करके बकरी का सर लग जाए? बोले मैं भी अभिशाप देता हूँ, जितने सब के सब शंकर जी के भक्त हैं। बोले भव प्रताधरा जेज जेजतार समान प्रता पाखंडी नस्ते भगवतो सब शास्त्र परिपंथिनम। जितने सारे शंकर जी को भक्तों को काली अभिशाप दिया, बोले जितने शंकर जी के भक्त होंगे सब के सब पाखंडी नष्टाचार शमशान में बैठेंगे, अधूरा खाएंगे, गंजा फूकेंगे, अभद्र रहेंगे, अपवित्र रहेंगे। जितने सारे शंकर जी जितने भक्तों को गाली गलौज करने लगे। जब गाली गलौज की, इतने में नंदी को बड़ा क्रोध आया। बोले जितने सारे शंकर जी के भक्तों को तुम पाखंडी बना दिए। बोले मैं भी अभिशाप देता हूँ कलयुग में जितने ब्राह्मण सबके सब भीख मांगा हो करके सब दर दर भटकते रहे। शंकर जी ने देखा कहाँ स्वागत समारोह हो रहा था और यहाँ तो सभा सा भी होने लग गया। शंकर जी बड़ा बेपना होकर के खड़े हो गए और वहां से चले गए, कुछ भी नहीं बोले। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है। यहाँ पर नंदी ने अभिशाप दिया किसको? ब्राह्मण को। और भृगुऋषि ने शंकर जी भक्तों को अभिशाप दिया, इनके अभिशाप कभी व्यर्थ नहीं होगा। अभी प्रश्न है, जो यहाँ पर शंकर जी के भक्तों को गाली दिया है, जितने शंकर जी के भक्त हो गए कैसे क्यों गाली दिया? कहते ये चीज को समझ लो, शंकर जी का दो स्वरूप है, इनकी एक सदाशिव स्वरूप है और एक इनकी रुद्र स्वरूप है। जो इनकी सदाशिव स्वरूप को उपासना करते हैं वो सदाशिव स्वरूप में महाविष्णु है। शंकर जी दुनिया को सृष्टि करने वाले। आप देखना जो शिवलिंग का जो चिन्ह है ना, वहाँ स्त्री पुरुष का दो चिन्ह है। जैसे बगैर पति पत्नी के कभी संसार नहीं होता है, उसी तरह शंकर जी एक स्वरूप में ये संसार को सृष्टि करने वाले से शंकर जी है। और शंकर जी की कृपा होना भगवान की भक्ति मिलता है, भगवान की प्रेम मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित मानस को लिखते हैं, सबसे पहले शंकर पार्वती को वंदना करते हैं। क्योंकि शंकर भागवत तो कौन सुनाया? शंकर तो पार्वती को सुनाए ना, अमरनाथ में सुनाए ना। रामायण किसने रचना की? शंकर जी ने रचना की। जितने पुराण देखो किसने बताया? शंकर जी बताया। इसलिए शंकर जी को भागवत में बताया वैष्णव नाम यथा संभो। भगवान की शंकर जी के बराबर जगत में कोई भगवान की भक्त हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सीन सम को रघुपति व्रतधारी, शंकर जी के बराबर जगत में कौन भगवान की भक्त हो सकते हैं। हर अवतार में शंकर जरूर आते हैं। भगवान जब राम आए तो रुद्र देह तेजी नेह बस बानर भये हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से मैं ठाकुर को सेवा नहीं कर सकता हूँ, स्वयं शंकर जी हनुमान बन करके आए और क्या कर रहे हैं? राम की चरण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना।
महाप्रभु रूप में प्रकट कराया। जब उन्होंने देखा कलिजुग का दुर्दशा सा देखा, कैसे घोर कलिंग में कैसे पाप हो रहा है, बोले जब तक भगवान नहीं आएंगे कल्याण नहीं होगा। इन्होंने ही तुलसी दल और गंगा पानी से भगवान को बोलो का वृंदावन से प्रकट कर दिया शंकर जी ने। इसलिए इस शंकर जी के सदाशिव स्वरूप को पूजा करनी चाहिए, इनकी कृपा से भक्ति मिलती है। फिर इनके भक्ति को द्वारा प्रभु हमें प्राप्त होता है। हाँ देखो और देखो, लेकिन इस शंकर जी का जो रुद्र स्वरूप है, अगर इनकी जो पूजा करेगा फिर क्या होगा, उनके शरीर में काम क्रोध लोभ मोह आएगा। जो रावण भी तो शंकर जी को पूजा करता था, फिर इनके अंदर में सीता जी को उठा कर क्यों ले गए? शंकर जी हृदय परिवर्तन क्यों नहीं किया? उन्होंने रुद्र स्वरूप को उपासना किया, जो उनका जो रुद्र स्वरूप है। अब जिसको पूजा करेंगे उसको कुछ गुण आएगा। आप भस्मासुर के नाम सुने होंगे, वृकासुर का नाम। एक दिन नारद से मिले, बोले बताओ कौन सा देवता जल्दी से जल्दी खुश होते? बोले भोले बाबा। उसने तो यज्ञ करना शुरू कर दिया, तभी शंकर जी प्रकट नहीं हुए। शरीर का मांस को काट काट कर आहुति देने लगे, तभी शंकर जी प्रकट नहीं हुए। जब प्रकट नहीं हुआ ना, अपना केस को पकड़ कर तलवार को गला काट कर देने चाहे, शंकर जी प्रकट हो गई। बोले परम पुरुष तृप्तम अस्मि, परम पुरुष बोलो क्या चाहिए? बोले मैं जिसके सर पर हाथ रखूंगा वही जल करके राख हो जाए। शंकर भोले बाबा तथा तू बोलती। देखा शंकर जी के पास में पार्वती बैठी थी और पार्वती बड़ी सुंदरी थी। बोले ये शंकर तो दिन भर आंख बंद कर बैठा रहता है, इतने सुंदर स्त्री को लेकर क्या करेगा? बोले किसी तरह से इसको लेनी चाहिए, लेकिन जब तक शंकर जी जिंदा रहेगा ना तब तक ले नहीं सकता। अरे इतने में शंकर जी के सर पर हाथ रखने के लिए गई। शंकर जी बोले क्या कर रहे हो? बोले आपने बल दिया, परीक्षा करोगा किससे आपके सर पर? शंकर तो भागे हुआ थे और ये किसी तरह से पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्या जाए पीछा कर रहा है। इतने में भगवान विष्णु के चरण में शरणागत हुए। भगवान विष्णु एक बालक बनकर प्रकट हो गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने वरदान दिया, जिसके सर पर हाथ रखेंगे वही जल करके राख हो जाएगा, मैं परीक्षा करना चाहता हूँ कि भाग रहे। बोले तू भी पागल ये भी पागल, दोनों इकट्ठे हो गए। अरे जब से दत्त्य प्रजापति इनको अभिशाप दे दिया तब से इनकी वरदान में कोई शक्ति रह नहीं गई। इनको पता है उन्होंने जो वरदान दिया झूठ बोले हैं, तभी तो भाग रहा है ना। अरे अपना सर पर हाथ रखे ना, परीक्षा कर ले। बोले जल करके राख हो जाऊंगा तो? बोले पागल, जब राख तभी बनोगे जब गर्म हाथ आएंगे ना, हाथ रखो ऐसे। बोले कोई गर्मी आ गई? बोले कुछ भी नहीं। बोले कुछ भी नहीं होता है, इतना नीचे करो। नीचे क्या? बोले कोई गर्मी आ रही? बोले नहीं। बोले और नीचे करो। बस सर पर लगा तो जल करके राख हो गई। इतने में भगवान प्रकट हुए। बोले भोले जब वरदान दो ना सोच विचार करके दिया हो, खुद वरदान देकर खुद फंस जाते हो। बोले प्रभु मैं तो भोला हूँ, इसलिए मेरे को ये दुष्ट लोग अपना वशीभूत करते थे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, आप जिनको भजन करोगे ये चीज को समझो, आप जिसको भजन करोगे ना उसका गुण भी तुम्हारे अंदर में आएगा। अगर ये रुद्र स्वरूप को भजन करोगे, भागवत पढ़ में देख लो, पढ़ा तो शंकर जी की पूजा करता था, शंकर जी वरदान दे दिया पर तुम्हारी 1000 हाथ हो जाएगा। उन्होंने वरदान दे दिया, वरदान दे दिया तो उन्होंने शंकर जी से उन्होंने बोले मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ में युद्ध तुम करो। बोले मैंने ताकत दिया, मेरे साथ में युद्ध करोगे? हैं मेरे साथ में युद्ध कर दो, फिर तो बड़े लड़ाई झगड़ाऊ। भागवत में कथा आती है, बाणासुर की कथा आती है, फिर कितने राक्षस की कथा आती है जो शंकर जी को जिसने वशीभूत करके शंकर जी को पर में प्रयोग किया। क्यों? शंकर जी का स्वरूप है रुद्र स्वरूप है,
और रुद्र स्वरूप को उपासना करोगे तो शरीर में ये जितने काम क्रोध तुम्हारे अंदर है सारी को सारे आएंगे। इसलिए किसको उपासना करनी चाहिए? उनका रुद्र स्वरूप को भजन नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए उनको सदा स्वरूप, ठीक है ना। ये चीज को समझो, शंकर जी की कृपा से ही भक्ति मिलती है, वो शंकर जी आदि गुरु है। दूसरे तरफ में अभिशाप किसने दिया? ब्राह्मण लोगों को दिया। कलि युग में जितने ब्राह्मण सब भीख मंगा होकर दर दर भटके आप देखे होंगे, वास्तव रूप में सारे तीर्थ में जाकर के देख लो। बोले ये कौन ब्राह्मण है? बोले दो तरह का ब्राह्मण है, जो वैष्णव ब्राह्मण है गले में कंठी तिलक धारण करते हैं, विष्णु मंत्र में जो दीक्षा दिए उनके लिए नहीं, वो कर्मी कांडी ब्राह्मण के लिए अभिशाप है, हैं? ये भक्त ब्राह्मण के लिए ये अभिशाप नहीं। इतने में फिर तभी तथ्य प्रजापति को चैन नहीं मिला, फिर उन्होंने जाकर हरिद्वार में कंथल में फिर यज्ञ प्रारंभ किया। सारा दुनिया को निमंत्रण किया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं है, वो सिर बीन यज्ञ है। सबके सब दामाद रथ में बैठी करके कीर्तन करते हुए जा रहे थे। इतने में सतनी बोले, बोले बाबा आपका जो ससुर है ना यज्ञ कर रहे हैं, चलो हम भी चलेंगे। संसार में तो ये आनंद है ना, शादी को बाद में देखना सब बेटियां शादी होकर के चली जाती हैं, लेकिन कब फिर मिलते हैं? अगर पिताजी के घर में कोई उत्सव हो ना, अगर पिताजी बुलाए फिर सबसे सब आते हैं, फिर पिताजी उनको अलंकार कपड़ा देते हैं, यही घर का आनंद है। बोले चलो हम भी चलेंगे, पिताजी हमें भी वस्त्र अलंकार देंगे। शंकर जी बोले कोई निमंत्रण नहीं आया। बोले देखो ऐसे कुछ स्थान है बिना निमंत्रण के भी जा सकते। बोले कहाँ? बोले पिताजी के घर में, जरूरत नहीं बेटी को बुलाए तो बेटी आए, गुरु जी को स्थान पर, ऐसे नहीं गुरु जी बोले तभी आए, ठाकुर जी को स्थान पर, कभी वहाँ निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, बगैर निमंत्रण के भी हम वहाँ पर जा सकते हैं। बोले कोई निमंत्रण काल नहीं आया, लेकिन सती ने मानी नहीं, शंकर जी के आदेश के बगैर चली गई। देखो यहाँ पर बड़ी शिक्षा है, जैसे माताएं जब अपना पीहर जाती हो पति के आदेश में जाते हैं ना, बिना पति के आदेश में चली जाती है। अरे बोला पति के आदेश लेकर के जाते हैं ना, बिना पति के आदेश में चली जाती हो। अरे बोलो ठीक से बोलो, आदेश लेकर जाती हूँ। लेकिन ये तो जगदम्बा जगत जननी माँ है, इनका तो आदर्श है ना, फिर इन्होंने बिना पति के आदेश से गए थी। इसका बड़ी रहस्य बात बताए हैं, इसका रहस्य बताए, जिस समय रावण ने सीता को उठा करके ले गया था, उसी समय में सीता को भगवान राम हा सीते बोल के रो रहे थे, लता बताओ वो पूछ रहे थे। इतने में शंकर सती को लेकर दूर से परिक्रमा कर रहे थे। इतने में सती ने शंका कर दी, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? जो परम ब्रह्म परात्पर राम की कथा सुनाते उसकी उसको कर रहे हो, नहीं तो साधारण कोई गीत है। अरे मेरे को बताए रावण सीता को उठा कर ले गया, वो भी नकली सीता, असली सीता थी नहीं, अभी भी वो अशोक वाटिका में, मेरे को ये बात पता है। फिर आपको क्या पता ये बात, ये राम को क्या पता नहीं? लेकिन शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन पार्वती समझी नहीं। फिर उसने सीता का रूप धारण किया, प्रभु राम को परीक्षा की। जब शंकर जी को ये बात पता चला ना, शंकर जी हृदय से सती को त्याग दे दिया, तब से उनको गुरु रूप में देखते थे, हृदय से त्याग दे दिया उनको, और उनको पत्नी रूप में देखा नहीं, कथा नहीं सुनाते हैं। अभी सती सोच रही है कोई ना कोई बहाना मेरे को मिले, क्योंकि जब तक यह शरीर रहेगा शंकर जी मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति यज्ञ में गए, देखा सभी के लिए वहां पर यज्ञ की भाग, लेकिन श्री शंकर जी के लिए नहीं। और वहीं पर उन्होंने बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही, तजियो कोटि वैरी सम यद्यपि परम तनही। बोले जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक दुनिया क्या बोलेगा? बोले ये दक्ष प्रजापति का मैं बेटी हूँ, जो सीन दो अक्षर बोलने पर जीव का कल्याण हो जाते हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम, उनको ये अपमान निकले जगह भाग नहीं। वहीं पर बैठ करके उन्होंने
योगाग्नि को द्वारा अग्नि को प्रकट की और शरीर को उन्हें त्याग दे दी और जा करके वीरभद्र को शंकर जी प्रकट करके बोले जा करके सारे यज्ञ को दशनत कर दो। फिर वीरभद्र आकर क्या किया उसने, जितने वहां पर थे ना शंकर जी की जब निंदा कर रहे थे, कोई ताड़ी हिला रहे थे, कोई मोच हिला रहे थे, कोई आग हिला रहे थे, कोई हंस रहे थे, जो हंस रहे थे उनको दांत तोड़ दिए, जो ताड़ी हिला रहे थे ताड़ी उखाड़ दिए, जो मोच हिला रहे थे मोच उखाड़ दिए, किसकी हाथ तोड़े किसको प्यार तोड़े और दक्ष प्रजापति का गला काट करके यज्ञ कुंड में सुहा कर दिया। सबके समझा करके शंकर जी को मनाए, शंकर तो बोले बाबा ही, शंकर जी आकर के फिर बकरी का सर को काट करके दक्ष प्रजापति सर पर लगा दी। शंकर जी से माफी मांग के, मेरे अपराध हो गया माफ कर दो। फिर शंकर जी सारे को माफ करके फिर उनको भक्ति प्रदान करते हैं। बोले श्री भोले बाबा की, बोले शंकर जी की भगवान जी भरी बनेगा वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार हाथ उठा कर बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे भगवान Yeah.
जब लड़की थोड़ी नारी और मैं जब लड़की हो जाए Yeah.
कृपा सिंधु भैवचा
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमारतम श्री श्रीमद भक्ति विदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोगी प्रणाम। भक्तवत्सल भगवान के अनेक अनेक अवतारों के विषय में हम पहले ही सूत गोस्वामी के मुखारविंद से उन्होंने जो वर्णन किया हमने श्रवण किया है। और श्री नरसिंह देव श्री प्रहलाद महाराज की कथा भागवतम के सप्तम स्कंद में वर्णन है। भागवत के 10 लक्षणों को भी वर्णन श्री द्वितीय स्कंद में करा जाता है। विशेष करके सप्तम स्कंद का जो लक्षण है कहते हैं ऊती। ऊती अर्थात ऊती का मतलब है कर्म वासना। ऊती च कर्म वासना तत्त कर्मानुसारता अशुभम च शुभम चेति। कहते हैं कर्म वासना दो तरह की है, एक है शुभ कर्म वासना और एक अशुभ कर्म वासना। शुभ कर्म वासना और अशुभ कर्म वासना दोनों जागृत होती है कैसे, एक होती है महत अनुग्रह से और एक होती है महत के कोप से। अर्थात यदि कोई साधु हमारे ऊपर प्रसन्न है, साधु हमसे संतुष्ट है, साधु यदि हमें आशीर्वाद दे दे तो हमारे हृदय में शुभ वासना का जागृत होगी। लेकिन वहीं पर अगर साधु हमसे क्रोधित हो जाए, हमसे रुष्ट हो जाए, हमसे असंतुष्ट हो जाए तो हमारे हृदय में भोग वासना अशुभ वासना जागृत होगी। ये शुभ वासना और अशुभ वासना है क्या, कहते हैं कृष्ण की उन्मुखता। अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण की तरफ उन्मुख है तो ये शुभ वासना है, लेकिन वही कृष्ण से बहिर्मुख अगर कोई है तो इसे कहा गया अशुभ वासना। और व्यक्ति किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, इस जड़ जगत में या उस पर जगत में, ये वासना महत क्रोध से और महत अनुग्रह से जागृत होगी ही। जय और विजय वर्णन आता है दोनों वैकुंठ में थे, भगवान के वैकुंठ नारायण के द्वारपाल थे दोनों। लेकिन जब चतुसंत उनके ऊपर क्रोधित हो गए तो उनके हृदय में ये अशुभ वासना जागृत हुई। वो ही राक्षस योनि को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन जाए। लेकिन वहीं पर प्रहलाद महाराज तो नारद जी की कृपा से भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बन गए, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बन गए। बोलो भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की। इसीलिए नारद जी की कृपा से इनके हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत हुई। श्री युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। हमने देखा है प्रायः भगवान जो है देवताओं का पक्ष लेते हैं। तब नारद जी कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिस समय सत्वगुण की वृद्धि का समय आता है तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, अति यदि रजोगुण की वृद्धि का समय आए उस समय पर मनुष्य का पक्ष लेते हैं, और यदि तमोगुण की वृद्धि का समय आए तो उस समय पर भगवान दैत्यों का पक्ष लेते हैं। लेकिन पक्ष लेने का अर्थ ये भी नहीं कि भगवान ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। भगवान का एक स्वाभाविक गुण है कि वो भक्तों का पक्ष लिए बिना रह नहीं सकते। अरे भगवान की कृपा के ही कारण असुरकुल में भी प्रहलाद महाराज जैसे भक्त का जन्म हुआ, और भगवान की इच्छा अनुसार कभी ना कभी देवताओं को भी स्वर्गलोक परित्याग करके जगह जगह पर भटकना पड़ा है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, समदर्शि मोहे कहे सब कोई, समदर्शि मोहे कहे सब कोई, समदर्शि मोहे कहे सब कोई, समदर्शि मोहे कहे सब कोई। भगवान कहते
कहते हैं कि मैं तो समदर्शी हूँ, मैं सबके प्रति समान दृष्टि रखता हूँ, मैं पक्षपाती नहीं हूँ, लेकिन यदि कोई मेरा सेवक है, यदि कोई मेरा अनन्य भक्त है, तो मैं उसका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। यहाँ पर वर्णन आता है जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, भगवान ने वराहदेव का रूप लेकर जब हिरण्याक्ष को वध कर दिया, उस समय पर उसका भाई हिरण्यकशिपु वो विष्णु से बदला लेने के उद्देश्य से तपस्या करने चला गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर उसने 60,000 वर्षों तक तपस्या करी, साधारण रूप में नहीं, हाथ ऊपर की ओर करके, सिर भी ऊर्ध्वमुखी करके, पैर के एक अंगूठे पर खड़ा होकर 60,000 वर्षों तक तपस्या, और इतनी उत्तम तपस्या करी जो न भूतों न भविष्य थी। उसके पूरे शरीर को दीमक खा गई, शरीर में मांस चमड़ी कुछ भी नहीं रहा था, केवल मात्र ढांचा ढांचा रह गया। सारे शरीर को वृक्ष लताओं ने आवृत कर लिया, और जब ब्रह्मा जी की प्रसन्नता, ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तपस्या से, ब्रह्मा जी साक्षात भृगु और अन्य अन्य ऋषियों को लेकर प्रकट हुए, आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन हिरण्यकशिपु कहाँ है, उसका तो शरीर ही सारा दीमक ने खा लिया, देखने को भी नहीं मिल रहा था। तब उस समय पर जहां से शब्द आ रहा था, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से अभिमंत्रित जल लेकर छिड़काव किया, छिड़काव किया तो वहीं से हिरण्यकशिपु का पुनः सारा सुलिप्तमान बड़ा सुंदर कलेवर प्रकट हो गया। हिरण्यकशिपु से कहा, वरम रूही वर मांगो, क्या चाहते हो, तुम्हारे जैसी तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं करी, इसीलिए जो भी तुम्हारे हृदय में इच्छा है मांग लो। हिरण्यकशिपु कहने लगा कि आप मुझे अमर बना दो, आपके दर्शन करके यद्यपि मैं धन्य हो गया हूँ, लेकिन यदि आप वर देना चाहते हो मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी एक न एक दिन मृत्यु होती है। ये ब्रह्मा पदवी जो है, ध्यान देकर सुनिए, कोई एक माता आती है तो उसी के सब कपड़े देखने लग जाते हैं, पता नहीं हमसे अच्छी साड़ी कैसे पहनकर आ गई, हमसे अच्छा सूट कैसे पहनकर आ गई, कल भी यही पहन के आई थी ना, आज नया पहन के आई है। अरे ये सब तो बाद में भी देख सकते हो, यहाँ कथा सुनने आए हो ना, ध्यान देकर हमारी और देखो कथा सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म पदवी मुझे प्राप्त हुई है, ये भी स्थिर नहीं, ये भी एक दिन ना एक दिन मुझसे छूट जाती है। भगवान गीता में क्या कहते हैं, आ ब्रह्म भूना लोके पुनर्वर्ति नो अंजुना, दिमाग लगाया थोड़ा, अच्छा अमर नहीं बना सकते तो मैं फिर कई सारे बार मांगूंगा, मांग लो। बोले मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मैं पृथ्वी पे ना मरूं, मैं आकाश में ना मरूं, मैं किसी अस्त्र से ना मरूं, किसी शस्त्र से ना मरूं, किसी पशु से ना मरूं, किसी पक्षी से ना मरूं, आपके द्वारा सृष्टि करे हुए किसी प्राणी से ना मरूं, और 12 मास में किसी समय पे ना मरूं। इस तरह से तरह तरह के वर मांगकर विचार करने लगा कि ये सब वर लेके मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान कर दिया, क्योंकि उसके समान तपस्या और किसी ने ही करी थी। जैसे ही सब वर प्राप्त किया है, अपूर्व शक्तिमान होकर पुनः अपने राज्य में आया और सर्वत्र अपनी शक्ति का प्रसार करने लगा। समस्त देवताओं को उसने बंदी बना लिया, अपने पैरों तले दबा कर रख रखा था, सारे ऋषि मुनि किन्नर देवगण सभी को अपने राज्य में सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। वरुण देव से पानी भरवाता, इंद्र से झाड़ू लगवाता, शिव ब्रह्मा और विष्णु इन तीनों को छोड़कर समस्त देवताओं को अपने पैरों तले दबा के रख रखा था। नारद जी कहते हैं कि मुझे भी हिरण्यकशिपु के दरबार में जाकर वीणा बजा बजा कर उसका गुणगान करना पड़ता था, इतनी महिमा हो रही थी। जब देवता लोग अत्यंत दुखी हो गए, उसके अत्याचार से बड़े परेशान हो गए, तो उस समय पर खीर सागर में जाकर और भगवान विष्णु को कीर्तन करके उनका आह्वान करने लगे। भगवान भी उनकी कीर्तन से प्रसन्न हो गए, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहने लगे, यदा देवेषु वेदेषु गोषु साधुषु विप्रेषु धर्मे मयि च विद्वेष सवेयाशु विनश्यति। बोले देखो हे देवताओं, जब कोई वेदों पर, गैया पर, ब्राह्मण पर,
साधु पर मेरे भक्तों पर अत्याचार करता है, उस समय पर शीघ्र अतिशीघ्र ही मैं अवतार लेकर और उस व्यक्ति का सर्वनाश, उसका विनाश मैं कर देता हूँ। इसीलिए चिंता मत करो, हिरण्यकशिपु जब अपने पुत्र प्रहलाद पर द्रोह आचरण करेगा उस समय पर मैं शीघ्र ही प्रकट होकर उसका वध करूंगा। अभी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करने लगे कि प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बालक हैं, उनमें ऐसा कौन सा खराब गुण है, कौन सा ऐसा अवगुण है जिसके कारण हिरण्यकशिपु उनके पिता उनके पर द्रोह आचरण करने लगे, ऐसा उनमें क्या खराब गुण आ गया। उस समय पर नारद जी यहाँ पर प्रहलाद महाराज के गुणों की खंडन करते हैं। देखो कितने धन्य है प्रहलाद महाराज, साधारण रूप में एक चेला अपने गुरु की महिमा गान को करता ही है, ये तो साधारण कृत्य है, करना भी चाहिए। अपनी वाणी को धन्य करने के लिए गुरु की महिमा गान करना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है। लेकिन आज प्रहलाद महाराज जैसे शिष्य होना भी भैया साधारण बात नहीं, नारद जी आज प्रहलाद महाराज के गुणों का गान कर रहे हैं। बोले हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटे पुत्र थे ये प्रहलाद, सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद। और ये प्रहलाद महाराज बाकी 3 पुत्र तो अपने पिता के गुणों में गुणवान थे, पिता के समान प्रतिभावान, पिता के समान शक्तिशाली, पिता के समान बलवान। लेकिन प्रहलाद महाराज पिता के गुणों में नहीं, अभी तो स्वयं अपने गुणों में गुणवान थे। और क्या न्यस्त क्रीडन गोपालो जड़वर्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। कहते हैं भैया ये साधारण नवग्रह जो है यदि किसी को ग्रास कर ले तो किसी पंडित को बुलाकर उसको हटाया जा सकता है, किंतु कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा अगर ये कृष्ण रूपी ग्रह किसी को ग्रास कर ले तो उसको हटाना अत्यंत कठिन है, वो और कभी हटता नहीं। यहाँ पर भी देखने से ऐसा लगता है आप लोगों को भी वो कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रास कर लिया है, इसलिए तो 3-3, 4-4 घंटा यहाँ पर आकर बैठते हैं, ठाकुर की कथा बड़े तन्मय होकर सुनते हैं। क्या अर्थ है, बोलिए कृष्ण ये काला कृष्ण जो है ये आपके ऊपर ग्रास कर रहे हैं भैया, सावधान इस ग्रह से बचे रहना। नारद जी यहाँ पर प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वासुदेवे भगवती नैसर्गिकी। प्रहलाद महाराज का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है, बोले इनकी भगवान के प्रति साधारण वृत्ति थी। एक साधक तो अपने हृदय को समझा बुझा कर भगवान के चरणों में मन लगाता है, लेकिन प्रहलाद महाराज उनके स्वाभाविक रूप में ठाकुर जी के चरणों में रहती थी। अभी एक समय पर प्रहलाद महाराज जब शंडावर की विद्यालय में पढ़ने के लिए गए हैं, हिरण्यकशिपु वहां पर पहुंच गए और प्रहलाद महाराज को गोद में उठाकर प्रश्न करने लगे। बोले प्रहलाद तुमने अभी तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो मुझे बतलाओ, स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ राजनीति कूटनीति सब कुछ वो तुमको गुरुजी सिखाते होंगे, तो तुमने जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो मुझे बतलाओ। तो उस समय पर प्रहलाद महाराज बोलने लगे, आप भी ध्यान देकर सुनिए, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया असद्गृहात् हित्वा तपाकं गृहम् अन्नकूपम् वनम् गतो यर्हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे असुर श्रेष्ठ, पिताजी नहीं कह रहे हिरण्यकशिपु को, पिताजी नहीं कहा, कहते हैं हे असुर श्रेष्ठ, हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ। हिरण्यकशिपु मन ही मन विचार करने लगा कि लगता है शिक्षा तो बड़ी अच्छी चल रही है, मुझे पिताजी ना कह के बोल रहा है असुरों में सर्वश्रेष्ठ। बोले हाँ बेटा आगे कहो। कहते हैं तत् साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत् गृहात्। हे पिताजी मैं तो उसी को ही साधु मानता हूँ जो ये ग्रह रूपी अंधे कुएं को परित्याग करके और वन में चला जाए। आपके पास आज के समय पर क्या नहीं है, आपने पूरी त्रिलोकी पृथ्वी को अपने पैरों तले दबा कर रख रखा है, सारे देवता आपसे भयभीत हैं, सारे देवता आपके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी आपका मन तो शांत नहीं है, आपका मन तो बहुत ही समुद्रिक सदा समुद्रिक धियाम असत रिहा, आपका मन इतना चंचल है, आपके मन को शांति नहीं इतना कुछ होने पर भी, क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां वशीभूत नहीं,
आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी इंद्रियां, गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये इंद्रियां मानो बिना लगाम के घोड़े, ये क्या करते हैं, अपने अपने विषय की ओर भागते हैं। जिव्वैक तो अच्युत विकर्षति अवितृप्तम और शिष्णु अन्यथा स्थवद्र कर्णाभिरीय, ये जिह्वा अपने रस की ओर धावित होती है। कान सुंदर शब्द सुनने के लिए धावित होते हैं, ये आंखें बड़ा सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती है, इसीलिए आपके समस्त इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, इसलिए आपका हृदय भी शांत नहीं है। मैं तो उसी को ही साधु मानता हूँ। आपकी बुद्धिमता तो कभी प्रमाणित होगी जब आप ये गृह रूपी अंधक हो। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, बोलिए घर जंजाल जो है ना ये अंधा कुआ है। अभी प्रश्न उठ सकता है कि गृहस्थ आश्रम भी तो कहा गया है शास्त्रों में, ये ग्रह ग्रंजाल को अंधा कुआ क्यों कहा? तब साधु कहते हैं कि देखो दो तरह के कुएं होते हैं, एक कुआ जिसके अंदर तो पानी पूर्ण रूप में सूख गया है, वहां और कोई जाता नहीं, पानी लेने के लिए लोग जाते नहीं, उसके ऊपर भी पेड़ पौधों आके आवृत हो गया है, उसका मुंह बंद हो गया है। अभी ऐसे कुएं में यदि कोई गिर जाए तो क्या कभी बाहर निकल सकता है, उसकी सहायता करने के लिए कोई आएगा? अंधे कुएं में कौन जाएगा, कोई नहीं जाता। लेकिन वहीं पर एक दूसरा कुआ है, पानी वाला कुआ, जहां पर समय समय पर लोग पानी लेने के लिए जाते रहते हैं, अगर उसके अंदर कोई गिर जाए तब जाकर कुछ बचने के चांसेस है, कोई ना कोई पानी लेने आएगा ही, रस्सी फेंक के भैया बाहर निकाल लेगा। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों के घर में साधु लोग आते हैं, ठाकुर जी का भजन कीर्तन होता है, ठाकुर जी की सेवा होती है, घर में हरि नाम तिलक कंठी धारण करके जो वैष्णव रहते हैं उनका घर तो अंधा कुआ नहीं, उनका घर तो पानी वाला कुआ है। वहां पर साधु समय समय पर आकर हमको चेतावनी कर देते रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं। लेकिन जिन घर में ठाकुर का भजन नहीं होता, ठाकुर की कथा कीर्तन नहीं, भैया अंधा कुआ है, सावधान रहो, ऐसे कुएं से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं बतलाया, उसमें तो और गर्त में फंसते जाओगे, अंतिम में मृत्यु, काल आकर ग्रास कर लेगा। जब ऐसी सुंदर सुंदर बातें प्रहलाद महाराज अपने पिताजी से कह रहे थे, हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया, बोले क्या ये मेरे शत्रु हरि की बातें कर रहा है, वनम गतो यद् हरिमाश्रयेत, मुझे कहता है कि मैं वन में चला जाऊं और उस हरि का आश्रय लूं जिसने मेरे भाई को मारा था, कदा भी संभव नहीं। क्रोध करा लेकिन प्रहलाद महाराज का कोई द्रोह आचरण नहीं किया, षण अमर को डांटने लगा। षंड और अमर, गुरु के भी नाम सुन लीजिए, एक का नाम है षंड और एक का नाम है अमर। षंड मतलब क्या, बोले सांड, बैल, और अमर मतलब बंदर। आप देखना सांड और ये बैल, भोग बुद्धि, ये दोनों गुरु भी ऐसे थे जो केवल मात्र उनको राजनीति कूटनीति असुर विद्या सिखाते थे, लेकिन शास्त्र कहते हैं ऐसे गुरु गुरुवाच्य नहीं है। गुरु का काम क्या है, बोले गुकार अंधकार रुकार निरोधक। गुरु, गुरु मतलब जो हमको अंधकार से निकाल करके और प्रकाश की ओर अग्रसर करे, हमको ये अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके भगवान जो आलोकपति हैं उनकी ओर हमें लेकर जाए, गुरु का यही काम है। इसलिए शंडा मार्ग उनकी ओर कहने लगा कि तुम क्या सिखा रहे हो, अरे लगता है गुरुकुल में कोई विष्णु दूत आ रहा है, इसीलिए इसकी ऐसी मति बन रही है, इसको ठीक से शिक्षा दो, वापस से भेज दिया। अभी शंड अमर को प्रहलाद महाराज को समझाने लगे, बोले क्यों रे, दैत्य चंदन वनम जातो अयम कंटक ध्रुवा, कहा दैत्य रूपी चंदन वन में तो एक कांटे का पौधा जन्म ले लिया। ध्यान देकर सुनिए, दैत्य वंश को कह रहे हैं चंदन और प्रहलाद महाराज जैसे भक्त को बतला रहे हैं कांटा, ये है एक शंड अमर जैसे असुर गुरुओं की मति। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कोई उनकी प्रति कुछ नहीं कहा, प्रहलाद महाराज अपने निरंतर हरि भजन में मस्त रहते। पुनः एक बार जब घर पे आए हैं, आज मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, स्नान इत्यादि करवा के सुंदर श्रृंगार किया है, रत्न आभूषण पहना दिए, नए वस्त्र पहना दिए और भेज दिए पिताजी के पास है। हिरण्यकश्यप ने भी जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखा गोद में उठा लिया, और आज उसे गोद में लेकर कभी उसका माथा सूंघ रहे हैं, कभी माथा चुंबन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप जैसे असुर को भी आज शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ गए, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त का स्पर्श प्राप्त हुआ ना, आंखों से आंसू बहने लगे हैं और आंखों के आंसुओं से प्रहलाद महाराज का शरीर भीगा जा रहा है। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप प्रश्न करने लगा, बोले हे पुत्र,
विद्या सीखी है, तुम वो मुझे बतलाओ। क्या बोला? सर्वश्रेष्ठ विद्या ने सीखी वो मुझे बतलाओ। प्रहलाद महाराज को शंडावर की तरफ देख रहे हैं, बोले देखो गुरु जी, सबसे सर्वश्रेष्ठ बात पूछ रहे हैं, साधारण बात नहीं बतलाऊंगा। प्रहलाद महाराज समय पर कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु बोले पिताजी भक्ति के नौ अंग हैं, आप भी बड़ा ध्यान देकर सुनिए, मेरी तरफ देखिए। भक्ति के नौ अंग क्या क्या हैं? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्यम आत्मनिवेदन। भगवान की कथा ध्यान से सुनो, ये भी भक्ति का अंग है। आप जो यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? साक्षात भक्ति ही हो रही है। कीर्तनम अर्थात हम जो कथा कह रहे हैं, ये क्या है? ये भी भक्ति का अंग है। कथा कहना अर्थात साक्षात ठाकुर जी की सेवा। भक्ति मतलब क्या है? भगवान की सेवा ही तो भक्ति है। इसीलिए श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करो, उनके चरणों की सेवा करो। अरे नौ अंग यदि पालन ना कर पाओ, कोई एक अंग भी पालन कर लो तब भी उद्धार हो जाएगा। परीक्षित महाराज, उन्होंने तो सात सात दिन तक कथा ही सुनी थी ना, और कुछ काम किया? लेकिन कथा सुनते सुनते ही उनको भगवान के लोक की प्राप्ति हो गई। सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने तो सात दिन तक कथा ही वर्णन करी, लेकिन कथा वर्णन करने पर भी वो सर्वश्रेष्ठ थे। लक्ष्मी जी सब समय ठाकुर जी की चरण सेवा करती है, और चरण सेवा करते करते सर्वश्रेष्ठ पद्वी पर है। इसीलिए क्या कहा? एक अंग याजे व्याजे बहु अंग कृष्ण प्रेम जन्माए तार अल्प संग। अरे कोई एक अंग का पालन कर लो, नहीं तो सभी अंगों का पालन कर लो, कृष्ण प्रेम निश्चित रूप में प्राप्त हो ही जाएगा। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जब प्रहलाद महाराज के मुख से ऐसे वचन सुने, हिरण्यकश्यप तो क्रोध में तमतमाने लगा और प्रहलाद महाराज को उठाकर फेंक दिया अपनी गोद से, और शंडवर अमर की गर्दन पर रख दी तलवार। पूछने लगा कि क्या बोल रहा है ये? शंडवर तो कांपने लगे और कांपते कांपते बोल रहे हैं, नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो भरते शुकमेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम पतिरस्य राजन् दियां चमन्यो विष्णु के चरणों में। तब शंकर अमर कहते हैं, नैसर्गिकीयम् मतिरस्य राजन्। अरे जन्म से ही ऐसा है, ना हमारे सिखाने से हुआ है, ना किसी के सिखाने से हुआ है। उस समय पर प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप प्रश्न करता है, बोले क्यों रे दुष्ट दुर्विनीत, राक्षस कुल में कांटे के समान तू कैसे जन्म ले लिया, और तेरी ये विष्णु में ऐसी मति कैसे लग गई? उस समय पर प्रहलाद महाराज ने तीन श्लोकों में बड़ा सुंदर रूप में उसका उत्तर दिया है। समय संक्षेप है, इस वजह से सार सार रूप में हम श्रवण करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हिरण्यकश्यप ने तो पूछा कि भगवान में तेरी मति कैसे लग गई। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उल्टा जवाब देते हैं, बोले तुम लोगों की मति क्यों नहीं लग रही? हे पिताजी, आपकी मति भगवान के चरणों में क्यों नहीं लग रही, उसका कारण सुन लो। क्या कहते हैं? बोले नते स्वार्थ विदु विष्णु सदा दुराचार। यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपके इंद्रिया आपके वशीभूत नहीं है, और क्या है? बोले स्वार्थ गति ही विष्णु, विष्णु ही एकमात्र स्वार्थ गति है, सर्वश्रेष्ठ पदवी है, आप उस चीज को भी स्वीकार नहीं करते। इस जड़ जगत में भी देख लो, पूरा समय जो है संसार में व्यतीत करते करते चला जाता है, लेकिन उस इतना होने पर भी जब बुढ़ापे में ये रियलाइज हुआ, ये अनुभूति हुई, हाय राम राम,
पूरा जीवन तो ऐसे ही चला गया। मैंने कभी भी मुख से भगवान कृष्ण भगवान राम का नाम नहीं लिया। जब इतना समझ में आ जाता है, इतना समझ में आने पर भी क्या कोई अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा देता है? अपनी संतान को तब पर भी भगवान के भजन में कोई प्रेरित नहीं करता, उसको भी वही नौन तेल लकड़ी के जाल में फंसा देते हैं। मैं इस कड़ी में फंस गया हूँ, मैं इस अंधे कुएं में पड़ा था, तू भी इसमें पड़, तू भी पढ़ के मान। इसीलिए क्या है, अंधा यथा अंधे रूपगीय माना तापिश तंत्रिया मुरुदाम निबद्धा। जिस प्रकार एक अंधा वो सड़क पार कर रहा है और उसके पीछे कई अंधों की लाइन लगी हुई है, अरे पार करते करते उस अंधे को तो दिखता नहीं, वो जाकर जब गड्ढे में गिरेगा, गड्ढे में जाकर गिरा है तो उसके पीछे चलने चलने वाले सारे ही गिरकर पड़ जाएंगे। गड्ढे में गिरा हुआ वो अंधा भी अंदर से बोलता नहीं कि भैया मैं तो गिर चुका हूँ, तुम आगे मत आना, मैं गिरा हूँ तुम भी गिरो। ऐसी दुर्गति हो गई है, इसलिए क्या हो रहा है, भगवान में मति नहीं लगती। तो भगवान ने सब तो मना कर रहा है कि नहीं लग रही, ऐसे नहीं लगेगी, वैसे नहीं लगेगी, लगेगी कैसे ये तो बतला। उस समय पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक किसी शुद्ध वैष्णव की, जब तक किसी शुद्ध साधु के चरणों की रज में अभिषिक्त ना हो जाओ, तब तक भगवान में मति लगाना अत्यंत कष्टदायी है। एक साधु जिसकी मति सब समय कृष्ण में लगी हुई है, उदाहरण लेकर समझाते हैं। कोई व्यक्ति कूलर चलाने के लिए प्लग चालू करने गया, हाथ गीले थे, करंट लग गया उसको, अभी करंट लग रहा है, उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए यदि कोई जाएगा उसे हाथ लगाएगा तो अपने आप उसमें भी करंट लग जाएगा, हाँ कि ना? ठीक उसी प्रकार जिनकी मति भगवान के चरणों में लग गई है, अगर ऐसे साधुओं का तुम संग कर लो, ऐसे साधुओं को यदि उसके चरण ब्रज में अभिषिक्त हो जाओ तो तुम्हारी मति भी भगवान के चरणों में अनायास ही लग जाएगी। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद महाराज ने जब इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं अपने पिताजी को दे रहे थे, पिताजी का तो माथा सनक गया, बोले ले जाओ इसको, मार डालो इस ताले को, कहां ये हमारे असुर कुल में जन्म लेकर और विष्णु की भक्ति कर रहा है, ये अब जीवित रहने के लायक नहीं। अरे शरीर का कोई अंग सड़ गल जाए तो उसको काट देना चाहिए, कम से कम बचा कुचा शरीर तो सुरक्षित रहेगा, इसको तो कृष्ण भक्ति रूपी कोरोना वायरस लग गया और ये कोरोना वायरस सब जगह फैलेगा, ये संक्रामक रोग है, सबको फैलाएगा ये कृष्ण भक्ति का रंग, इसलिए इसको मार देना ही अच्छा है। बड़ी बड़ी चेष्टाएं करी, उसको पहाड़ की चोटी से फेंक दिया, लेकिन भगवान वहीं पर उपस्थित होकर उसकी रक्षा करी। प्रहलाद महाराज को सर्प से डसवाने की चेष्टा करी, लेकिन अमृतमय भगवान जिसके साथ में विराजमान हो उसको सर्प क्या बिगाड़ेगा। प्रहलाद महाराज को आग में जलाने की चेष्टा करी, आप लोग सब जानते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कथा, होलिका हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसे वरदान था, लेकिन प्रहलाद महाराज को जब आग में लेकर बैठी है स्वयं जल के स्वाहा हो गई। भगवान वहां पर प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए। प्रहलाद महाराज को तो ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी एसी कूलर के अंदर बैठा हुआ हूँ और अत्यंत शीतल यहाँ पर वातावरण है। जब चीखने की आवाज आई हिरण्यकश्यप को सोच रहा था अब तो मर गया, लेकिन जैसे अग्नि शांत हुई देखा प्रहलाद महाराज वहां पर हंसते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज को भूखा रख दिया, एक महीने 21 दिन तक खाना नहीं दिया, सोचा अब तो मर गया होगा, सड़ गल गया होगा। जैसे ही वहां से कारागार खोलकर देखा प्रहलाद महाराज वहां पर तो हृष्ट पुष्ट बड़े ही सुंदर पाया। हिरण्यकश्यप प्रश्न करता है कि मैं तुझे खाने के लिए देता हूँ और मैंने जब तेरे भोजन बंद करवा दिया तब पर भी तू जीवित कैसे है? प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि हे पिताजी, जब मातृगर्भ में था तब तो आपने पोषण नहीं दिया, मातृगर्भ में मुझे जिसने अन्न प्रदान किया, मातृगर्भ में जिसने मुझे पोषण दिया था वो भी आज भी मुझे खिला रहा है। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए हैं तो अन्न उदय है, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते हैं तेरी मुलई है। हमारे संत लोग यहाँ कहते हैं कि भैया जब मुंह में दांत नहीं थे तब भगवान ने दूध प्रदान किया, जब दांत दिए हैं तो अन्न भी दे रहे हैं, अरे पूरे सर्वत्र ब्रह्मांड की खोज खबर लेते हैं, क्या हमारी सुध नहीं देंगे? इसीलिए सोच क्यों करे बंदे, सोच करे कछु हाथ ना आइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब इतनी चेष्टा कर ली प्रहलाद महाराज को मारने की, हिरण्यकश्यप भयभीत होने लगा,
अरे मैंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन मेरी अब तक टेस्टिंग नहीं हुई। और इसको 5 साल का बालक केवल मात्र भगवान का नाम लेता है, उनका स्मरण करता है, मारने की मैंने कितनी चेष्टा करी, मरता भी नहीं, भगवान का नाम लेना छोड़ता भी नहीं। ये तो सच में बिना कुछ करे अमर हो गया है 5 साल का बालक, और मैंने 60,000 सालों का तपस्या करी तब पर भी मैं अमर हूं कि नहीं, इस बात में संशय है। इतना भयभीत रहने लगा शंकर, अमर कहने लगे, आप चिंता मत कीजिए महाराज, अरे हमारे पिताजी शुक्राचार्य वो कुछ दिन में आएंगे और कुछ दिन में आकर इस प्रहलाद को समझा देंगे, इसकी मति ठीक हो जाएगी, उसको वापस अभी गुरुकुल में ले आए। जैसे गुरुकुल में ले आए, एक दिन शंड और अमर गए हैं बाहर, और बाहर जाकर जब गए थे प्रहलाद महाराज को बना दिया मॉनिटर, स्कूल में मॉनिटर बना देते ना, प्रहलाद महाराज को मॉनिटर बना दिया, और प्रहलाद महाराज आज सभी बच्चों को बुला लिया, सब नन्हे नन्हे 5 साल के बालक हैं, और 5 साल के बालक को सभी को बुलाकर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आज हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल? बोले हम ठाकुर जी का कीर्तन करेंगे। अभी प्रहलाद महाराज बैठ गए उच्च सिंहासन पे और सभी बच्चे हाथ ताली देकर सभी कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कुमार अवस्था अर्थात 5 साल की उम्र से भजन करना चालू कर दो,
जब भी लोग प्रश्न करने लगे, वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि अरे प्रहलाद तू कहता है 5 साल की उम्र से भजन करो, 5 साल की उम्र से क्यों करें, जब रिटायर लाइफ हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, उस समय पे तो कोई काम रहता नहीं, उस समय पे भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्या कोई गारंटी कार्ड लेकर आए हो? किस किस के पास यहाँ पर गारंटी कार्ड है कि भैया हम 60 साल तक बचे रहेंगे? हाथ उठाओ देखें, आप लोग के पास में गारंटी कार्ड है कि 60 साल तक बचे रहोगे? अगर 60 साल से ऊपर होगे। कहते हैं भैया इस श्वास जो जारी है, ये श्वास हो नैव विश्वास हो, ये एक सांस जो हमने ली है ये सांस दोबारा छोड़ पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोरोना आया था ना, जब कोरोना की लहरें आई थी, क्या बच्चे क्या बूढ़े सब कोई तो मरे, है ना, किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं कि हम बुढ़ापे तक बचे रहेंगे। तभी देखते लोग प्रश्न करने लगे कि तू कहता है कि 5 साल की उम्र से भजन करो क्योंकि गारंटी कार्ड किसी के पास नहीं। अरे आत्मा थोड़ी मरती है, मान लो ये शरीर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, आत्मा जो अगले जन्म मिलेगा उस जन्म में हम भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है ये मानव जीवन साधारणतः मिलता नहीं, मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 कभी एक बार भगवान जी मानव शरीर देते हैं, और मानव शरीर प्राप्त होने पर भी ये भारत भूमि में तो जन्म प्राप्त करने के लिए देवता भी कर सकते हैं, उनको भी भारत भूमि पे ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने की वांछा है, लेकिन हम लोगों को प्राप्त हो गया वो। लेकिन यहाँ पर प्राय देखा जाता है, देखो कि भगवान ने मानव शरीर भी दे दिया, दिखने में मानव जैसे लगते हैं लेकिन मानव जैसी वृत्ति नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते मानव शरीर मिलना दुर्लभ, और मानव शरीर प्राप्त हो जाने के बाद भी मानव के समान वृत्ति होना दुर्लभ। लोग देखने में ऐसा लगता है कि मानव जैसे हैं, अफ्रीका के जंगल में जिन लोगों को मानव शरीर मिला है क्या ये सभ्यता है? कहां जानवरों को मार मार कर खाते हैं, शरीर पर वस्त्र भी नहीं पहनते, तो ये मानव जो वृत्ति मिली है ये मिलना भी बड़ा दुर्लभ। इसीलिए ये मानव शरीर जो अभी प्राप्त हो गया है इसको ऐसे साधारण मत गवाओ, पशुओं की तरह खाने सोने इन सब में व्यर्थ मत करो भैया। मानव शरीर एक बार जब चला गया तो माथा पीटते रह जाओगे, भगवान दोबारा नहीं देंगे। केवल मात्र मानव शरीर में हमें ये जिह्वा प्राप्त हुई है जिससे राम कृष्ण दामोदर गोविंद नाम ले सकते हो, केवल ये मानव शरीर में हमें ऐसा सुयोग मिला है कि आकर भगवान के दरबार में भागवत कथा में कथा सुन सकते हो, केवल मानव शरीर में हमें ठाकुर ने ये 2 चरण दिए जिससे उनके धाम में जा सकते हैं, ठाकुर की परिक्रमा कर सकते हैं, ये 2 हाथ दिए जिससे साधुओं की भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए मानव शरीर जैसी सुलभता इसके समान जो अपॉर्चुनिटी मिली है और किसी शरीर में नहीं, क्या करो बोले भगवान का भजन करो। जब इतनी सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे थे उनको, प्रहलाद महाराज कहने लगे कि अगर कोई फूल ताजा हो, एक पौधे से फूल तोड़ा है और तोड़कर उसको ताजा फूल को ठाकुर के चरणों में चढ़ाओगे, या फिर जो सुबह से शाम तक सूखकर बासी हो गया उस समय पर ठाकुर के चरणों में चढ़ाओगे? बताओ, जब फूल ताजा हो, है ना, कुमार अवस्था से ठाकुर का भजन करना चाहिए, उस समय पर ठाकुर में जैसे मट्टी लगाओगे आसानी से लग जाएगी। जब सड़े गले वृद्ध हो जाओगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खुद का शरीर का तो ठिकाना रहता नहीं, और ठाकुर का भजन कोई कर पाओगे? इतना सहज है, मना कर देते हैं। इसलिए क्या करो, 5 साल की उम्र से अगर अभ्यास करोगे तब जाकर तो हो पाएगा। एक कच्ची मिट्टी होती है, कुमार के पास में जो कच्ची मिट्टी होती है, उस कच्ची मिट्टी से जैसी आकृति बनानी हो, मटका बनाना हो मटका, कुल्लड़ बनाना हो कुल्लड़, और जो मनी बैग होता है क्या बोलते हैं उसे, गुल्लक बनाना हो गुल्लक, जो भी बनाना चाहते हो कच्ची मिट्टी से तो बना सकते हो, सकोरा बनाना हो सकोरा भी बना रहा हो हमारे प्रभु जी कहते हैं, तो जो भी बनाना चाहते हो कच्ची मिट्टी से संभव है, लेकिन एक बार अगर मिट्टी पक गई वो टूट जाएगी लेकिन बदलेगी नहीं। पेड़ बांस का पेड़, अगर बांस अगर कच्चा हो उसको जैसे घुमाना हो घूम जाएगा, लेकिन एक बार बांस पक जाए वो टूट जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। एक कोरा कागज हो, कोरे कागज के ऊपर जो लिखोगे स्पष्ट लिख जाएगा, लेकिन एक बार उसके ऊपर यदि लिख दिया गया उसको मिटाकर दूसरी बार लिखो स्पष्ट नहीं होगा।
प्रहलाद महाराज तरह तरह के उदाहरण देकर समझाते हैं, अरे एक पौधे को एक स्थान से उठाकर और दूसरे स्थान पर लगा दो, लग जाएगा। लेकिन वो पौधे की जड़ें अगर गहरी चली गई है, पेड़ बन गया है, उसको उठाकर दूसरी जगह पर लगाओ, होगा संभव? होगा संभव? संभव नहीं। इसलिए 5 साल की उम्र से भजन करो। कुमार अवस्था से यदि अभ्यास करोगे तब जाकर तो बुढ़ापे में होगा। पूरे जीवन भर जो रील में भरोगे कहीं तो अंतिम समय पर याद आएगा। प्रहलाद महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए, देखते हैं लोगों को भी समझ में आ गया कि हाँ भैया भगवान का भजन करना है, हरि का भजन करना है। प्रश्न करने लगे कि तेरे को इतनी सुंदर सुंदर बातें कहां, किसने सिखाई? हम दोनों तो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वही शंडामर्क तेरे गुरु, वही शंडामर्क हमारे गुरु, लेकिन हमें तो ये सारी बातें नहीं आती। प्रहलाद महाराज कहने लगे कि जब मेरी माँ गर्भवती थी तो इंद्र उनको उठाकर और लेकर जा रहा था, उसी समय पर नारद जी ने मेरे माँ की रक्षा करी और नारद जी ने मुझे लक्ष्य करके और 60,000 सालों तक मेरी माँ को कथा सुनाई। यहाँ पर देखो बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। जो माताएं गर्भवती होती है, गर्भवती होने के समय जो जो भी क्रियाएं माँ करती है उसका संस्कार बच्चे पर पड़ता है। माँ उस समय पर यदि गीता रामायण भागवत पाठ करे, भागवत सुने, तो बच्चा भी बड़ा संस्कारी होकर जन्म लेता है। लेकिन उसी के विपरीत यदि माँ उल्टी फुल्टी फिल्में देखें, उल्टी सीधी हरकतें करें, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप में बच्चे पर पड़ेगा। माँ के गर्भ में जो संतान है, माँ के जैसे जैसे क्रियाएं होती है, बच्चे का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने मातृगर्भ में रहकर भी नारद जी के समस्त वचनों को अंगीकार कर लिया और आज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। जब इतनी सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे थे, वहां पर प्रहलाद और समस्त दैत्य बच्चे सभी मिलकर वहां पर कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन की शब्द सुनकर तो वहां पर शंडामर्द आने लगे हैं। देखा, हे भगवान, फैल गया कोरोना। कहां पहले तो एक प्रहलाद था और अब तो इसने सभी को प्रहलाद बना दिया। सभी वहां पर मिलकर ठाकुर का कीर्तन कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने जाकर तो हिरण्यकशिपु को कंप्लेन कर दी। बोले, महाराज शीघ्र चले आइए। हिरण्यकशिपु जैसे ही वहां पर उपस्थित हुए हैं, उनको देखकर तो दैत्य लोगों की, सारे बच्चे जो थे सबकी बोलती बंद हो गई। कहां डाली ढोलकी, कहां गए मंजीरे। प्रहलाद को आगे कर दिया, भैया अब तो ही संभाल। प्रहलाद महाराज तो वहां पर पिताजी के सामने एकदम स्थिर बुद्धि से खड़े थे और हिरण्यकशिपु क्रोध में इतनी उसकी छाती जल रही है, कमकमा रहा है और प्रहलाद महाराज को गाली करते हुए कहने लगा, हे दुर्विनी, मूर्मति, मूर्ख, अरे कहां तू उस विष्णु का भजन में इतना प्रवर्तक है और तू, तुझे मेरा भय नहीं लगता? मेरे भय से सारी पृथ्वी कंपायमान हो रही है, सारे देवता भयभीत हैं और तू किसके बल में बलवान होकर इतना दुस्साहस दे रहा कि तू मेरे से शत्रुता बोल ले रहा है? प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, न केवलम मे भवतश्च राजन् सवे बलम बलिनां चापरेषां परे किसके बल में बलवान होकर और आपसे बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, आपके अंदर जो बल विद्यमान है, मेरे अंदर जो बल विद्यमान है, अरे इस पृथ्वी में जो भी बलवान अपने आप को बलवान कहकर ख्याति करते हैं, समस्त बल का मूल स्रोत मेरे भगवान ही है। समस्त बल का मूल स्रोत मेरे भगवान है। आपने तो ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करके इतने बलशाली बने हो, ब्रह्मा जी को भी जिसने शक्ति दी है वो मेरे भगवान है। इसीलिए आपके और ब्रह्मा जी की बात छोड़ दो, सर्वश्रेष्ठ बलवान मेरे भगवान ही है। हिरण्यकशिपु प्रश्न करने लगा कि तेरा भगवान यदि इतना बलवान है, मेरे सामने क्यों नहीं आता? इतना छुप छुप कर क्यों रहता है? मेरे सामने एक बार आने का दुस्साहस तो करे, क्या वो यहाँ पर उपस्थित है? प्रहलाद महाराज कहने लगे कि हाँ, मैं तो उनको सर्वत्र देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज जैसे उत्तम भक्त सभी जीवों में भगवान को देखते हैं, इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को तो मैं सर्वत्र देख रहा हूँ। बोले, क्या इस स्तंभ में है? बोले, वयम तु दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। बोले, पहले तेरे भगवान को देखता हूँ, बाद में तुझे दिखाऊंगा। फिर कश्यप ने क्रोधित होकर वहीं पर एक मुष्टिका घात मारा है स्तंभ के ऊपर और स्तंभ वहीं पर छिन्न विदीर्ण हो गया। स्तंभ टूट कर वहां पर साक्षात वहां पर नरसिंह देव प्रकट हो गए। और श्री नरसिंह देव भगवान की उच्च वंदे
गए। पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा, केवल मात्र सर सिंह जैसा। सारे केश चारों तरफ फैले हुए हैं, उनके केश थे मानो स्वर्ग लोग स्पर्श कर रहे थे। हाथ चतुर्भुज रूप, इतने उनके स्वरूप, इतने उनके हाथ थे, अलग अलग हाथ में अलग अलग शब्द और इतने विकराल नख। गले में माला पहनी हुई पीताम्बर, जिसको देख कर पूरे त्रिभुवन कंपायमान हो रहा है। हिरण्यकश्यप को देखकर विचार करने लगा कि ये कैसा इसका स्वरूप है, ये ना ही तो पशु दिखता है और ना ही कोई इंसान। पर फिर भी सोचने लगा, लगता है विष्णु ने कोई मायावी रूप धारण किया है। हिरण्यकश्यप अभी उसके साथ में युद्ध करने लगे। हिरण्यकश्यप और नरसिंह देव का घमासान युद्ध हुआ और युद्ध करते करते तो एक समय तो हिरण्यकश्यप की गदा गिर गई। तब पर भी भगवान ने फिर सुयोग किया और उससे लड़ रहे हैं। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप के साथ लड़ रहे हैं क्यों? हमारे टीकाकार कहते हैं कि वही जय विजय भगवान के द्वारपाल थे ना, वही तो आज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए हैं। भगवान चाहते हैं वीर रस का आस्वादन करना। मल्लादार को देखा है ना, जो मल्ल युद्ध करते हैं, रेसलर्स होते हैं। रेसलर्स क्या करते हैं, जब वो रेसलिंग करते हैं उस समय पर उनको बड़ा आनंद आता है ना। अभी भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन किस साधारण व्यक्ति के साथ में तो करेंगे नहीं। इसीलिए हिरण्यकश्यप जैसे बलशाली आज अपने भक्त के साथ में ही वीर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध करते करते जैसे ही शाम का समय उपस्थित हुआ, भगवान ने देखा उपयुक्त समय आ गया है। जैसे एक बिल्ली किसी चूहे को पकड़ लेती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप की गदा डाल दी एक तरफ, उसको पकड़कर और अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर आ गए द्वार पर। द्वार पर लेकर आकर वहां पर विराजमान होकर जैसे ही उससे मारने लगे, हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, बोले नहीं नहीं मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हूँ, साधारण व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता। बोले क्या वर प्राप्त है? मैंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था, मैं दिन में नहीं मरूंगा, मैं रात में नहीं मरूंगा। बोले मूर्ख, ना भी दिन है ना भी रात है, ये संध्या का समय है, शाम का समय है, ध्यान से देख। बोले तो भी नहीं मार सकते, किसी ब्रह्मा द्वारा रचित किसी प्राणी से मैं मर नहीं सकता। बोले ब्रह्मा द्वारा रचित मैं नहीं हूँ, मेरे द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। बोले फिर भी नहीं मार सकते, मैं आकाश में नहीं मरूंगा, मैं जमीन में नहीं मरूंगा। बोले देख तू मेरी गोद में विराजमान है, ना ही तो ये आकाश है, ना ही गोद, ना ही ये जमीन है, पृथ्वी है। हिरण्यकश्यप को कहने लगा कि ना किसी अस्त्र से मरूंगा, ना किसी शस्त्र से मरूंगा। बोले तेरे लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, मेरे तो नख ही पर्याप्त है। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं 12 मास में किसी मास में नहीं मरूंगा। नरसिंह देव कहने लगे कि विचार करके देख, ये पुरुषोत्तम मास, ये मल मास है, जो अधिक मास होता है ये मल मास है, ये 12 मास में से कोई समय नहीं है। जो भी उसके तर्क थे सभी को विफल करते हुए भगवान नरसिंह देव ने उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया, अपने नख द्वारा उसके अंदर प्रसुरित करके उसकी नाड़ी नाड़ियों को निकाल लिया और नाड़ियों को माला स्वरूप में अपने गले में पहन लिया। तव कर कमल वरे उसके ऊपर विराजमान हो गए। इतना क्रोधित, इतना विकराल प्रभु का स्वरूप था जिसको देखकर समस्त देवता सब भयभीत हो रहे हैं। किसी का दुस्साहस नहीं हो रहा भगवान के सामने जाने का। और भगवान इतने क्रोधित थे वहां पर, उनके जिह्वा मानो लहलहा कर रही है, उनके समस्त आयुध कहीं चले गए, भगवान के नख इतने विकराल स्वरूप, पूरे खून से उनका शरीर सना हुआ, उनके जो केश थे वो स्वर्ग लोगों को स्पर्श कर रहे हैं और इतनी ज्योति उनके शरीर से निकल रही है,
समस्त देवता सब विराज विचार करने लगे कि हे भगवान, इतना विकराल स्वरूप तो हमने कभी नहीं देखा, किसी का दुस्साहस नहीं हो रहा भगवान के सामने जाने का। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी आप जाकर प्रभु को शांत कीजिए, अरे इनका इतना कोप तो ठीक नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नाना भैया मैं नहीं जाऊंगा, अरे मैंने ही तो हिरण्यकश्यप को वर दिया था जिसके कारण भगवान नरसिंह देव की ऐसी अवस्था हो रही है, अगर मैं गया तो भगवान मेरी जी के नारियों को निकाल के और माला स्वरूप में धारण न कर ले, मैं नहीं जाने वाला। शंकर जी से कहा कि भोले बाबा आप जाकर इन्हें शांत करो। शंकर जी कहने लगे कि देखो मैं जा तो सकता हूँ लेकिन मैं भी तमोगुण को अंगीकार करता रहता हूँ, कहीं एक दो बार मैंने समझाया प्रभु शांत ना हुए तो मुझे भी क्रोध आ जाएगा, हम दोनों ही क्रोधी स्वभाव के हो ना हो कहीं प्रलय ही ना हो जाए, मैं नहीं जाने वाला। सब कहने लगे कि लक्ष्मी जी आप तो जाइए, अरे आप तो प्रभु के अर्धांगिनी हैं, पति तो पत्नी के बात अवश्य ही सुनेगा, आपको देखकर वो शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी कहने लगी हाँ हाँ मैं जाकर प्रभु को शांत कर दूंगी, कोई चिंता नहीं, प्रभु का तो इतना सौम्य इतना शांत स्वभाव है, इतना सुंदर स्वरूप है, आप न जाने क्यों इतना भय कर रहे हैं। लक्ष्मी जी वहां पर आरती का थाला लेकर प्रभु के सामने जैसे ही उपस्थित हुई है, नरसिंह देव ने जैसे एक दहाड़ मारी, लक्ष्मी तो वहीं पर थाला छोड़कर फेंक के और दैया मैया करती हुई एक सांस तो ली थी यहाँ, दूसरी सांस ली वैकुंठ धाम में, बोले बाबा रे ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, इतना क्रोधित स्वभाव, इतना क्रोध रूप तो मैंने कभी प्रभु का देखा ही नहीं। कुछ कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इतना क्रोधित रूप क्यों धारण किया और लक्ष्मी को भी इतना भयभीत क्यों कर दिया। एक समय पे जब वैकुंठ में नारायण की चरण सेवा लक्ष्मी जी कर रही थी, लक्ष्मी जी बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता से चरण सेवा कर रही है, लक्ष्मी भी साधारण नहीं, उनके हाथ साक्षात कमल के समान और भगवान के चरण कमल भी वैसे ही है। अभी लक्ष्मी जब चरण चापल कर रही थी प्रभु को थोड़ा कष्ट हो रहा था, लक्ष्मी जी से कहने लगे कि थोड़ा धीरे करो, थोड़ा आहिस्ता से करो। अभी लक्ष्मी जी और धीरे धीरे पद संवाहन करने लगी, फिर भी प्रभु को कष्ट हो रहा है। अभी लक्ष्मी केवल मात्र भावनात्मक रूप से हाथ ऊपर उठा लिए, स्पर्श नहीं कर रही है, भावनात्मक रूप से केवल मात्र दबा रही है, लेकिन तब पर भी प्रभु को कष्ट हो रहा है। लक्ष्मी प्रश्न करने लगी कि हे प्रभु आप इतने दिव्यांगी इतने कोमलांगी हो, आप जब असुरों का संहार करते हो तब आपके इतना बल कैसे आ जाता है, मेरे तो हाथ साक्षात कमल के समान है, मेरा स्पर्श ना करने पर भी आपको कष्ट हो रहा है और आप जब उन बलशाली असुरों को मारते हो तब आपका ये दिव्य कलेवर कोमल कलेवर कहाँ जाता है। बोले लक्ष्मी चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें भी दिखा दूंगा। आज प्रभु ने वही क्रोधित स्वरूप लक्ष्मी को दिखाकर बतला दिया, बोले देखो असुर को मैं इस तरह से मारण करता हूँ। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सभी देवता वहां पर आकर प्रहलाद महाराज से कहने लगे, बोले देखो प्रहलाद तुम्हारे कारण ही भगवान नरसिंह देव आए हैं, तुम्हारे कारण ही भगवान ने अवतार लिया है और तुम ही जाकर भगवान को शांत करो। प्रहलाद महाराज वहां पर जैसे एक छोटा 5 साल का बालक एक शेर का बच्चा शेर शिकार करके आया है, पूरे मुंह पर रक्त लगा हुआ है लेकिन तब पर भी शेर का बालक भयभीत नहीं होता, सीधा जाकर पिताजी के कंधे पर चढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद महाराज को आज नरसिंह देव से कोई भय नहीं लग रहा, जिससे देवता ब्रह्मा शिव जी भी भयभीत हो रहे थे, 5 साल के प्रहलाद ने आज आकर नरसिंह देव के पास में आ गया, उनकी गोद में चढ़ गए और जैसे ही नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को गोद में लिया है, उत्थापित क्षीण दधात करम भुज, कहते हैं नरसिंह देव ने उनको गोद में ले लिया है, विलोक्य देवम कृपया प्रणिप्लुत, केवल मात्र प्रहलाद महाराज को देखने मात्र से ही उनका गुस्सा शांत हो गया। प्रहलाद जैसे एक शेर का बच्चा अपने शावक को चाटता है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और प्रहलाद से कहने लगे, देखो प्रहलाद मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, हिरण्यकश्यपु ने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए और मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ नहीं पाया, मुझे आने में बड़ी देर हो गई इसलिए मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद महाराज कहने लगे, प्रभु आपका स्मरण तो मैं सब समय कर रहा था और आपने तो हर समय ही मेरी रक्षा करी है, आप क्षमा याचना क्यों करते हैं, आपका ये सुंदर स्वरूप देखकर जिसको सारे देवता भयभीत हो रहे हैं, मुझे तो ये आपका स्वरूप बड़ा आनंद प्रदान कर रहा है। नरसिंह देव कहने लगे कि वर मांगो। प्रहलाद महाराज कहने लगे कि क्या मेरे को बनिया समझ रखा है,
किसी किराए बनिए के पास में जाओ, 10 रुपया दो और 10 रुपए के चावल चीनी ले आओ। अरे मैंने आपका भजन इसलिए नहीं किया कि आपसे कुछ वर मांग सकूं, मैं तो आपके प्रीति के लिए ही आपका भजन करता हूँ। नरसिंह देव कहने लगे कि फिर भी मेरा दर्शन विभोग तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ वर मांग लो। प्रहलाद महाराज कहने लगे कि यदि आप वर देकर प्रसन्न होंगे तो मेरे हृदय से ये मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। अरे हमारे जैसा कोई होता तो भगवान से क्या कुछ मांग लेता, हाँ? इस साधारण जड़ जगत की वस्तु छोड़ दो, कहते तो भगवान आप अपने धाम में ही ले चलो, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे हृदय से ये मांगने की इच्छा ही खत्म कर दो, मैं कोई बनिया नहीं हूँ जो व्यापार रूप में आपसे मांगता रहूं। 10 रुपए की माला चढ़ा दी और भगवान से कह दिया, हे भगवान, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, 4 मंजिला घर बन जाए, घर के बाहर फॉर्च्यूनर आ जाए। ना भैया, ये व्यापार है, ये भगवान की भक्ति नहीं। नरसिंह देव कहने लगे कुछ तो वर मांग। प्रहलाद महाराज कहने लगे कि देखो, बुरे हो या भले, थे तो मेरे ही पिता। हिरण्यकश्यप ने आपके प्रति बड़ा क्रोध किया, आपके प्रति बड़ा शत्रुता रखी, द्रोह आचरण किया। आपस एक बार मुझे दे दो कि मेरे पिता को नर्क जाना ना पड़े। ध्यान देकर सुनिए, हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद महाराज ने ये बात कही तो नरसिंह देव कहते हैं, त्रिसप्तमी पिता भूत पितृभी सहते न, कहते हैं हे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म ले ले उसकी तो 21 पीढ़ी उद्धार हो जाती है, तेरे पिताजी की क्या तू बात कर रहा है। बोलो श्री भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कि अगर कोई साधारण भक्त भी हो, कनिष्ठ भक्त भी हो, उसकी 7 पीढ़ी उद्धार हो जाती है। कोई मध्यम अधिकारी हो, 14 पीढ़ी उद्धार हो जाती है। और प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत सर्वश्रेष्ठ भक्त हो तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है अगर भगवान का भजन कोई करने लगे। इसीलिए सब कल कह रहे थे ना, सभी बच्चों को भगवान के भजन में नियुक्त करो। और इसीलिए वहां पर प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे पिताजी को नर्क ना जाना पड़े। नरसिंह देव कहते हैं कि चिंता मत करो, तेरे पिताजी का तो पहले ही उद्धार हो गया, और कुछ वर मांगो। देखिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं आप यदि वर देना चाहते हैं तो हे प्रभु, ये इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी जीवात्माएं दुख पा रही है उन सबके दुख कष्ट आप मुझे दे दो, इन सबके पाप आप मुझे दे दो, इन सबके पाप लेकर मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नर्क यातना भोग करूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप इन सबके दुख दूर करके इनको अपने धाम में ले जाओ, अपने धाम में ले जाओ। ये होता है साधु का हृदय। ये साधु जगह जगह पर जाकर जो भ्रमण करते हैं, संत जगह जगह पर जाकर भ्रमण करके भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं, क्या उद्देश्य है? क्या मठ मंदिरों में इनके खाने का अभाव था, इनको वहां पर दाल रोटी नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ आकर आपसे भिक्षा करने आए हैं? ना भैया, भगवान के भजन का उपदेश देने के लिए आपको आए हैं। यदि ये चीज आपने ग्रहण कर ली तो आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन सबका दुख कष्ट दूर कर दो, मुझे इनके पाप दे दो, लेकिन इन सबका उद्धार करो। नरसिंह देव कहते हैं कि तुझे इन सबके पाप लेने की आवश्यकता नहीं, अगर तेरी ऐसी इच्छा है, मेरे तो कई कई ब्रह्मांड है, मैं एक ब्रह्मांड को अपने धाम पहुंचा दूंगा, लेकिन तेरे जैसे भक्ति की ख्याति सर्वत्र विराजमान होगी। श्री भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की भक्ति विघ्न विनाश श्री नरसिंह देव भगवान की। इसीलिए देखो, भगवान के भजन में हर किसी का अधिकार है और हर किसी को करना कंपलसरी है। मानव शरीर के अतिरिक्त ये भगवान का भजन सबके लिए सुलभ नहीं। गुरुदेव यहाँ विराजमान है, साधु जब आपके शहर में भागवत कथा करने के लिए भ्रमण करते करते जब आए हैं, ठाकुर का भजन करने के लिए अग्रसर हो, ठाकुर से भगवान का भजन करने के लिए सब अग्रसर हो गए, गुरुदेव से माला लो, भगवान की भजन करना आरंभ करो। और हम जो कह रहे थे कल और परसों दो दिन के लिए, जो बच्चों के लिए, यूथ के लिए, 10th क्लास और उससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम अलग से क्लास रखेंगे, कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक, 1 घंटा। उस समय पर जो भी बच्चे आने के इच्छुक हैं, हम जहाँ पर रुके हैं आपको एड्रेस हम लास्ट में बता देंगे, वहीं पर बता दो कहाँ पर के पास में कहाँ रुके। उमेश शर्मा जी का घर है, आप यहाँ पर परिचित हैं सभी लोग प्राय उनसे, जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ पर उनसे एड्रेस ले लीजिएगा, वहीं पर दिन में 2 बजे से 3 बजे तक हम क्लास लेंगे सिर्फ बच्चों के लिए, 10th क्लास और उसे 8th, 9th, 10th और उससे ऊपर वाले कॉलेज में जो बच्चे हैं उनके लिए कक्षा होगी। आप सभी अपने बच्चों को भेजिएगा और जो माताएं प्रभु यहाँ पर आ रहे हैं, भागवत कथा से एक चीज अवश्य लेकर जाइएगा,
भगवान का भजन, ये ठाकुर का हरि नाम कलयुग के अंदर सबसे सहज उपाय है, भगवान का नाम, इसको अपने जीवन में अपना के अपना मानव जीवन सार्थक करिए। पुराण में एक कथा है, अब ध्यान देकर सुनो। अभी भागवत में कथा आती है, अजामिल की कथा आती है। ये अजामिल बड़ा दुष्ट था, लेकिन अपना छोटे बेटा का नाम नारायण रख दिया था। और सबसे छोटा बेटा बड़ा प्यारा होता है, और उसने अंतिम समय में मरते समय अंतिम समय में नारायण नाम लिया, तो वैकुंठ से विष्णु दूत आ गए और उनको बचा लिया और उसको भगवत धाम में ले गए और जमदूतों को मार मार कर भगा दिए। जमदूतों ने जा करके जम महाराज को चरण में जितने अस्त्र शस्त्र को फेंक दिया, बोले आज से आपका नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था अजामिल, उसको लेने के लिए गए तो पता नहीं कहाँ से चार ही हाथों वाले आ गए, इतने अपमान हमें की, इनके अपमान को हम सह नहीं सकते, हम तो प्राण त्याग दे देंगे, नहीं तो उनको ला करके हमारे सामने धक्का दो। बोले ये बताओ मरते समय कुछ बोला था? बोले हाँ, एक बार श्री नारायण नाम लिया था। क्या नाम लिया था? नारायण नाम लिया था। अभी नारायण नाम सुनकर तो जब महाराज बेहोश हो गए। बोले बड़े दिनों में ठाकुर जी का नाम सुनने को मिला है। बोले ठाकुर जी, हम तो सोच रहे थे जगत का हर्ता कर्ता विधाता आप ही हो। बोले मूर्खो, हम तो भगवान का सेवक है, ठाकुर जी हमें ये नौकरी दिया है। बोले देखो, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मेरे पास में बतलाया करो। तब यहाँ पर जमदूत कहते हैं, भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता कि नहीं करता, हमें एक लिस्ट बना करके दे दो किसको किसको लाना। देखो ये जम महाराज लिस्ट बनाए, आप भी ध्यान देकर सुन लो, किसको किसको जमपुरी जाना और किसको बैकुंठ जाना। ये भागवत में लिस्ट है, इनकी पर्ची बनाया, ये श्लोक है। बोले जिहान भक्ति भगवत गुण नाम स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जत सीरति कदापि तान अनर्थम असत अग्रीत विष्णु कृत्या। बोले जिनको ये मानव शरीर मिला, लेकिन जो लोग ये जीवन में ठाकुर का नाम नहीं लेते हैं और मेरे तो जैसे टट्र टट्र दिन भर करते हैं और सांप आकर के निकल जाता है, जो भगवान के नाम को नहीं लेकर के दुनिया की बात को टट्टर करते हैं, एक दिन काल आकर उसको ग्रास कर लेता है। बोले चेतसनस्करति जत चरणार्विंद, भगवान हृदय दिया है, ये मानव शरीर को द्वारा ही ठाकुर का स्मरण कर सकते हैं। जो भगवान के स्मरण नहीं करके दुनिया की स्मरण करते हैं, और कृष्णाय नो नमति, जो ठाकुर जी के चरण में प्रणाम नहीं करते, उन्होंने अधमों को ले आना। और लास्ट में कहते हैं विष्णु कृत्या। विष्णु कृत्या मतलब है जो लोग विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं है। किसका मंत्र में? मंत्र लेनी चाहिए विष्णु मंत्र में, और कोई मंत्र लोग जिनके उधार नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात होता है। इसलिए मंत्र लेनी चाहिए विष्णु मंत्र की, ऐसे नहीं किसी देवी की और किसी देवता का मंत्र लिया क्या तो उधार नहीं होगा। इसलिए अंतिम समय में कहते आप सब कोई बात झूठा है, इसके सिवाय जो क्या झूठे में बिताया। देखो पद्म पुराण की एक छोटी सी कहानी सुनो, बड़ी शिक्षा हम लोगों का कहानी है। बोले एक समय दो पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रत नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, पति की रोज चरण धोती थी, चरणागत से लेती थी, पति जब शयन करे चरण की सेवा करती थी, सुंदर सुंदर रसोई बना करके खिलाती थी, पास में बैठ करके पंखा झुलाया करती थी। एक दिन पत्नी गई, पति कहीं गया हुआ बाहर, एक दिन श्री नारद जी उनके घर में आए। नारद जी को देख करके पत्नी बड़ी खुश हो गई, नारद जी को बड़े सुंदर सुंदर रोटी सब्जी बना करके नारद जी को भोजन कराया। लेकिन नारद जी जब भोजन करके उसको बाद में देखा, उसको ललाट में तिलक नहीं है और उसकी गले में तुलसी की कंठी नहीं है। कहते कंठी तिलक कौन धारण करते हैं? जो विष्णु मंत्र में दीक्षा ली हुई है।
इसलिए नियम है भक्तों को वैष्णव को जो विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण नहीं की है उनको खाना नहीं खानी चाहिए, शास्त्र मना किया। जब नारद जी देखे इसकी गले में तुलसी की कंडी और तिलक नहीं, बल मैंने एक अवैष्णवी का हाथ में भोजन कर दिया, उनको सामने उन्होंने उल्टी कर दी, बोले मेरे जीवन तो बेकार हो गया, जो विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं, मैं वैष्णव हूँ, उनके हाथ का भोजन मैंने कर दिया, जब उल्टी कर दी, इतने में उसने तो बड़ी दुखी हो गई, बोले संतों को भोजन कराया फिर संतों उल्टी कर दी, क्योंकि भोजन की, बोले बाबा बताओ क्या करनी चाहिए, बोले देखो जब तक हम कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं होते जीव की कल्याण नहीं, उसको हाथ में भोजन नहीं करनी चाहिए, बोले गुरु जी फिर तो हमें कृष्ण मंत्र में दीक्षा दो, बोले जाओ तुम गंगा में नहा करके आओ, नहा करके आए तो उन्होंने गले में तुलसी कट्टी दी और उनको जो तिलक लगा था ना ऊर्जा पुत्र ये तिलक दिया, जब तिलक दिया बोले गुरु जी कुछ उपदेश दो, बोले देखो जो व्यक्ति ये विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं लिए हैं उनसे थोड़ा दूर रहा करना, और बोलो बोले बेटी जब कोई जरूरत होगा तुमको मेरे को स्मरण करना मैं आ जाऊंगा, करके नारद चले गए। थोड़ी देरी बाद में पति आए, जब पति आए पहले तो पति के चरण में पानी देते थे, अभी पति को दूर में फेंकी, बोले मेरे पास मत पटकना, अब पानी को फेंक करके उनके चरण में दिया, जो भोजन देती थी पास में बैठ करके दूर में भोजन करवाया, बोले अभी आप कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लिए हो, गुरु जी बोले जो कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं ली उनका हाथ का पानी नहीं चलेगा तुम्हारे, आप ये घर में नहीं दूसरे घर में रहो। पति तो बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले पत्नी मेरी इतने पतिव्रता नारी थी और मेरे को दूर से फेंक करके पानी भोजन दे रही है, बोले बताओ मेरे को क्या करनी चाहिए, बोले आप भी कृष्ण मंत्र में दीक्षा लो, ये पद्म पुराणी कथा है, बोले किससे ले, बोले मेरे गुरु जी से, बोले तेरे गुरु जी कहाँ, बोले बोलोगे तो गुरु जी को बुलाऊंगा। इतने में उन्होंने श्री नारद जी का स्मरण किया, स्मरण करते ही नारद झट प्रकट हो गए, पंपी देख करके हक्के भक्के चक्के, बोले बाप क्या गुरु जी का स्मरण करते ही सामने प्रकट हो गया, कितना चमत्कार को नमस्कार, बोले भैया क्या दिखो गुरु है, गुरु जी का स्मरण करते ही प्रकट हो गए, बोले गुरुदेव आप भी मेरे को दीक्षा प्रदान करो, बोले बेटा जाओ गंगा में नहा करके आओ, देखो जगत में बड़ी कुछ प्राप्त व्यक्ति है जो गए गंगा में नहाने के लिए दूसरे दूसरे ब्राह्मण थे, बोले तू तो थोड़ी देर पहले स्नान करके गया, दो बार कैसे आ गया, बोले घर में नारद जी आई दीक्षा मंत्र लेना चाहता हूँ, बोले देख बेटा अभी पितृ पक्ष है, पितृपक्ष में क्यों दीक्षा लोगे, कुछ दिन बाद में दीक्षा मंत्र लेना, इतना जल्दी करने का क्या जरूरत है, थोड़ी देर रुक जाओ ना, वो जानते हैं ना दीक्षा मंत्र लेंगे हम जब बैठ करके खान पान करते हैं हम दूर रहेगा, बोले थोड़ी देर रुक जाओ, जगत में बड़े कुछ चक्रांत व्यक्ति है ना, गंजा फूके शराब पिए कोई किसको मना नहीं करता है, लेकिन अगर प्रभु की हरिनाम कोई लेने के लिए जाए ना इतने तर्क वितर्क करना शुरू कर दे, अभी क्या भजन करने का, अभी क्या मर रहे हो जब बूढ़े हो जाओगे, कल बताए ना प्रहलाद क्या बोले, इतने उम्र से भजन करनी चाहिए 5 साल से करनी चाहिए, क्योंकि विश्वास में नहीं वो विश्वास हो, इसलिए कहना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब, लेकिन हम इसको उल्टा करती, बोले आज कर सो कल करो और कल कर सो परसों, जल्दी जल्दी क्या कर दो पड़ा रहा है परसों, हमने कुछ कैसे उल्टा पुल्टा लोग थे, बोले रुक जा अभी पितृपक्ष में क्या हरिनाम लोग लिया ही गुरु से दिखा नहीं ली, कुछ दिन बाद में दोनों को मृत्यु हुई, देखो इनका फल क्या है, उसने गुरु जी से नारद से मंत्र दिया था, भक्ति कभी घटती नहीं, इसलिए वीरा कहती है ना बोले दीन दीन बड़ा सबायो पायो जी मैंने राम रस नाम न पायो, इसलिए भक्ति कभी घटती नहीं, भक्ति बढ़कर के प्रकट होती, देखो वो लड़की कहाँ जन्म हुई ब्राह्मणी, उसने विदर्भ देश में राजकुमारी बनकर के जन्म हुई और इतने सुंदरी थी, विश्व सुंदरी 20 वर्ष थी, विश्व के राजा उसको पाने के लिए तरस्त थे, लेकिन उसकी पति ने दीक्षा मंत्र नहीं लिया, शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले कृष्ण विष्णु दीक्षा विहीना जे नाधिकार कथा सर्वे,
बोले वसु ज्योति आप क्यों आप शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती अगर इसी जीवन में कोई कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लेते हैं अगले जीवन में पशु ज्योति आप उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा। शंकर पार्वती को कह रहे हैं क्योंकि जो शरीर है ये टाटी बेसब का थली है, जब हम गुरु मंत्र लेते हैं गुरु जी से दीक्षा गले में कंठी तिलक धारण करते हैं शरीर तभी पवित्र होगा, इसलिए उसका पति उसी देश में आधी रूप में जन्म लिया। और जो पत्नी राजकुमारी होकर के जन्म हुई इतने में राज उनको स्वयंवर सभा हुई, बेटी बड़ी हो गई, बेटी को हाथ में माला दे दिए, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर बैठे हुए अपना सुंदर देख करके चुनेगी, लेकिन भक्ति की पूर्व जन्म में की भक्ति तो कभी घटते नहीं भक्ति बढ़ती है। अभी जब माला लेकर गई लेकिन उसका पति भी हाथी रूप में जन्म हुआ, सामने उससे पति को देखा, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार है ना भजन की है ना, वो अपना हाथी को देखकर पहचान गया ये मेरे पति है, पूर्व जन्म में उसने पति है, लेकिन उन्होंने नारद जी से दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते शंकर जी पार्वती को कहते पशु ज्योनी अपनुआर, पार्वती उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा, इसलिए पति दीक्षा मंत्र नहीं ले इसलिए जानवर ये हाथी बना। इतने में उसने माला लेकर के वो माला लेकर के हाथी की गले में पहना दिया, जितने बड़े बड़े राजा तो खा लगा कर हंसे इतने सुंदरी विश्व सुंदरी और देखो माला किसको गले में हाथी के गले में दिया। राजा बोले राजकुमारी बेटी तुमने ऐसे क्यों की, बोले गुरु जी तब उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, बोले गुरु जी नारद जी से मैंने दीक्षा मंत्र लिया था इसलिए मैंने आपकी बेटी बन करके जन्म हुई, इसलिए मेरे को भगवान के चरण में इतने भक्ति, लेकिन मेरे पति ने लिया नहीं क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की चक्रांत में पड़ करके ली नहीं इसलिए ये जानवर जीवन में आया है, ये पहला जन्म का मेरे पति है। इतने में बोले तुम तो हाथी की गला में डाल दिया अभी क्या होगी, बोले कोई चिंता मत करो मेरे गुरु जी बोले थे जब मेरे को याद करो मैं प्रकट हो जाऊंगा, बोले याद करो तेरे नारद जी को प्रकट जन्म याद किया, सचमुच से नारद जी झट प्रकट हो गए। जब नारद जी प्रकट हुए बोले गुरुदेव आप मेरे गुरु जी मेरी पति को पर कृपा करो, उसी समय तो दीक्षा मंत्र में या हाथी बने अभी आप कृपा करो, नारद समर्थ है हाथी का सर पर जब हाथ रखा ना हाथ रखते हुए इंसान हो गया एकदम इंसान हो गया हाथी। फिर नारद जी को चरण में गिरे बोले गुरुदेव जल्दी जल्दी मेरे को कृष्ण मंत्र में दीक्षा दियो, दीक्षा नहीं लगेगा वजह मैंने हाथी जन्म प्राप्त की पत्नी की वजह से मेरी कृपा हुई मेरे को दीक्षा मंत्र दो, फिर दीक्षा मंत्र दिए फिर उनकी उद्धार हुई। इसलिए नियम है क्या करनी का चाहिए जीवन में भगवत विष्णु मंत्र में दीक्षा लेकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब स्वयं ये भागवत का श्लोक है यहाँ पर बताते हैं जो विष्णु दीक्षा में मंत्र में दीक्षा नहीं लो जिसकी गले में तुलसी और कंठी नहीं हो उन उनको ही पकड़ करके ले आना यहाँ पर। इसलिए अगर हम जमपुर नहीं जाना चाहते हैं भैया गले में तुलसी कंठी और तिलक जरूर धारण करो, ये जम का आदेश है जम दुख का प्रति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बामन देव ले आओ, हाँ बामन देव ले आओ, बोले श्री रामायण भगवान की। हाँ देखो कुछ कुछ भक्त लोग मेरे को बोल रहे थे महाराज कब हरिनाम जब माला दोगे, जिसकी इच्छा होगी हम माला हरिनाम करना चाहते हैं हम पास में रुके हुए हैं सवेरे 7, 8, 9 बजे जब समय हो अगर आना। हम दो तरह से माला देते हैं, अगर कोई संपूर्ण रूप में मांस मछली अंडा और यहाँ पर जो प्याज लहसुन नहीं भोजन करते हैं क्योंकि जो प्याज लहसुन ये तामसिक भोजन है, पुराण में बताया गो मांस से ये प्याज बना, जैसे नवरात्रि आई ना कोई भी प्याज लहसुन त्याग कर देते हैं, क्यों इसकी जो सृष्टि भगवान जो सुदर्शन चक्र से राक्षसों को वध किया जहाँ पर मांस गिरा वहीं से ये प्याज की पौधा हुई, ठाकुर को सेवा में नहीं लगती है। अगर कोई प्याज लहसुन को छोड़ दे तो फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं गले में तुलसी की कंठी भी देते हैं, लेकिन जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे फिर हम इसको नीम की माला देते हैं, बोले इसी में हरिनाम करते रहो इसके लिए कोई नियम नहीं, हरिनाम करते रहो और धीरे धीरे कोशिश करो
गंधी जी को छोड़ने के लिए जब पूरा छोड़ देते हैं फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं। लेकिन इसी तरह से माला लेनी चाहिए, माला लेकर के भजन करो, जिसकी इच्छा कल आ जाइएगा वहां से माला लेकर के भजन करना। अभी भगवान वामन देव आ रहे हैं। तुलसी भगवान वामन भगवान की जय हो, जोर से जयकार लगाओ। तुलसी वामन भगवान की जय हो। कहते जब श्री वामन भगवान श्री बलि महाराज का दरबार पर गई, बलि महाराज संतुष्ट होकर के बोले हमसे जो कुछ मांगोगे सो देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने तीन पग जमीन मांगे, एक पग में उन्होंने भूर भूव पहुंचना सत्यलोक तक पहुंच गया। और भगवान ब्रह्मा जी चरण धो करके जो कमंडल में पानी रखे वही श्री प्रतीत पावनी श्री गंगावली, बोले श्री गंगा मैया की। और दूसरे पग में उन्होंने अतल बीतल तलातल पाताल लोक तक ले लिया, बोले बताओ तीसरे चरण कहाँ पर रखे। तब उन्होंने वरुण को बुला करके नाग खास पत्थर में बांध दिए। इतने में उनकी पत्नी बड़ी भक्तिमती थी, बोले भगवान को क्या दिया, दुनिया भगवान का भगवान ही दुनिया ले लिया, जब तक तो खुद को खुद दे दो। बोले बताओ दान बढ़ाना दानी बढ़ा, बोले दानी, बोले दान के लिए दानी स्वयं बांधी है। बोले मैं सर को पर चरण रखो भगवान अभय चरण श्री बलि महाराज को ऊपर में रखे, बोले बलि महाराज की। भगवान संतुष्ट होकर के बलि महाराज को बोले तुमको सुतल लोक में स्नान देता हूँ। बोले पर मांगो, बोले प्रभु ये वरदान दो मैं जब घर से निकलू आपको दर्शन करके निकलू, जब घर से मैं आऊँ आपको दर्शन करूँ। भगवान तथा को बोल दिए, मतलब भगवान स्वयं भगवान बन गए, सरवान बनकर वहीं पर रहे। इतने में क्या हुआ, एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, लक्ष्मी को बोले नारायण कहाँ पर, बोले पता नहीं कहीं गए अभी तक आए नहीं। बोले उन्होंने तो विदेश में उन्होंने नौकरी ढूंढ लिया, बोले कहाँ पर, बोले बलि महाराज का दरबार पर, माँ लक्ष्मी वहां पर ठाकुर को लेने के लिए आए और ठाकुर जी बैठ करके जगते रहो बोल रहे थे। इतने में लक्ष्मी बोले प्रभु यही बात कसर रह गई थी, यही असर, बोले अभी बोलो मत, अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता। बलि महाराज रोज दान देते थे, माँ लक्ष्मी भी लाइन में खड़ी हो गई। जब बलि महाराज बोले दान मांगो, बोले संकल्प कर, बोले संकल्प की अब जरूरत है, बोले बगैर संकल्प मैं मानती नहीं। बोले याद आया एक संकल्प करने वाला आया था, ये दूसरे व्यक्ति कौन है। जब उन्होंने संकल्प की, बोले मेरे घर में सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ पर कोई अच्छे दरबार नहीं, अरे ये दरबार को मेरे को दे दो। बोले आप पहले बताओ आप कौन हो, वहां पर माँ लक्ष्मी प्रकट होती है, बोले मैया लक्ष्मी की जय हो। जब लक्ष्मी प्रकट हुई, देखो भगवान बलि महाराज का प्रेत में कितने वशीभूत हो गए, बलि महाराज का आप उसको उतार दो, कितने उन्होंने वशीभूत हो गए। प्रभु जी उनको ले जाना भिक्षा करने के लिए। हाँ देखो इधर सुना, भगवान भक्तों का प्रेम में कितने वशीभूत हो गए, उन्होंने माँ लक्ष्मी को दान दिया, बोले किसको दान दिया, बोले श्री नारायण को दान दिया। विश्व ब्रह्मांड को जो दान देती है लक्ष्मी, लेकिन विश्व ब्रह्मांड मालिक को उन्होंने दान दिया है, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो अभी बलि महाराज आपके पास में भिक्षा लेने जाएंगे, श्री ब्राह्मण भगवान और भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। जैसे सुदामा जी ने 2 फुट चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य देती, भगवान सारा दुनिया हमें दिया है, लेकिन आज स्वयं ठाकुर जी आपके घर में भिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा भगवान को भिक्षा देना, अभी भगवान को इसको बाद में भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं। जैसे आज आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो, अरे जोर से बोलो पीली रंग की, कल राधा रानी जन्म लेगी इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहनी करके आना, क्योंकि जो गुलाबी रंग है ना प्रेम रंग है, राधा रानी का सुंदरी की रंग गुलाबी रंग है और राधा रानी ये प्रेम की स्वरूप श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की। तेरे द्वार का भगवान
हरे I'm gonna make it.
सुधा देवों के वसुदेव को। तैयारी है ना, तैयारी है। बोले कथितो वंश विस्तारो पूरा कृष्ण कथा ही उतर गया। उन्होंने एक श्लोक बोल करके पूरी कृष्ण कथा को सुना दिए, कैसे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और गोकुल में नंद के बाबा घर में जन्म हो करके, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की, और जोर से बोलो जय कन्हैया, कैसे गोकुल में उत्सव भयो, फिर पुतना अगास रूप बकास रूप कैसे मारे, और ठाकुर जी कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन को कैसे धारण किया, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय में आनंद नहीं आ रहा है, कोई जय कोई है बोल रहे हो, जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज महाराज की। फिर ठाकुर जी सौ करोड़ गोपियों को साथ में ठाकुर जी लाश लीला की, और कृष्ण कैसे मथुरा में कंस को उधार की, द्वारका में 16,108 पटरानियों से शादी किया, हर रानियों से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई, फिर उन्होंने ब्राह्मण से अभिशाप को ग्रहण करते हुए और प्रभास क्षेत्र में गए, और भगवान अंतिम लीला को प्रकाश करते हुए बोला वृंदावन धाम में चले गए, बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इतना बोल करके परीक्षित महाराज तो चुप हो गए, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए, परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया, बोले पूरी तो कृष्ण कथा सुना दी, बोले मैं 4 दिन से बैठा हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए, बोले क्यों, बोले कृष्ण मेरे कुल देवता है, जब माँ की पेट में मैं था अस्वस्थ, माँ ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया मारने के लिए, उसी समय कृष्ण मेरे मातृ गर्भ में प्रवेश करते हुए और गदा को घुमा घुमा करके उन्होंने अस्त्र को निस्तेज किया और उन्होंने मेरे को प्राण प्रदान की, इसलिए उन्होंने गर्भ में जो कृष्ण दर्शन की थी जब बाहर में आए सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित नाम पड़ गया, बोले श्री परीक्षित महाराज की। बोले मेरे को तो कृष्ण कथा एकदम जी भर करके सुनाओ, और मैं केवल कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। बोले परीक्षित 4 दिन हो गया, एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया, पानी तो थोड़ा पीते, बोले प्रभु पानी के लिए जितने गड़बड़ी हुई, मैंने पानी मांगने के लिए ऋषि के आश्रम पर पहुंचा, ऋषि ने पानी नहीं दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और उनको बेटा ने मेरे अभिशाप दे दिया, बोले जा सप्तम दिवस में तेरे को तत्सर दर्शन करेगा, ये पानी के लिए जितने गड़बड़ी हुई, आप फिर पानी की बात करते हो, पानी की बात मत करो, आप कृष्ण कथा ही सुनाते रहो, आपकी कथा सुन सुन करके आपकी मुखार बिंद को दर्शन करते हुए मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, इसको सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मैं यही चाह रहा था। तब उन्होंने बोले देखो 2 वंश है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश है, ये जितने चंद्र सूर्य वंश में बहुत बड़े बड़े राजा आए, लेकिन सबसे सुंदर कथा किसकी है, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र की और एक भगवान श्री राम चंद्र की, बोले श्री सियावर राम चंद्र की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले देखो कृष्ण कथा बड़ा मीठा है, इतने कृष्ण कथा मीठा है, बोले 3 गंगा है, एक गंगा रहते हैं स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोक कल्याण करती हैं, और एक गंगा इस मर्त्य जगत में, एक गंगा इसमें, इस गंगा एक मर्त्य जगत में जिसका नाम है भागीरथी और हम लोगों को कल्याण करती है गंगा, और एक गंगा है पाताल लोक में जिसका नाम भोगवती, वो पाताल लोक को कल्याण करती है, उसी तरह जो कृष्ण कथा 3 लोगों को कल्याण करती है, कितने लोगों को, अरे मेरे तरफ में कितने लोगों को,
किसको किसको, जो बोलने वाले, जो सुनने वाले और जो प्रश्न करने वाले। बोले कृष्ण कथा कितने महान है। बोले विपरीत कृष्ण कथा इतने दिखाए, जो ब्रह्मा में जो डूबे हुए व्यक्ति जैसे चतुसन थे, सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी शंकर भी थे, लेकिन कृष्ण कथा सुनने पर सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़ करके बोले गुरु मन आई तो भी भक्ति, वो सबके सब भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान सागर से पार होना चाहते हैं, सबसे मीठी दवा क्या है, भगवान की कथा। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो, ये मत समझना अरे तो बैठे कथा तो सुन रहे हो, बोले नहीं, आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, जितने भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताए श्रवणम, सबसे बड़ी भक्ति श्रवण है। भगवान की कथा सुनोगे तब तो प्रभु का प्रति प्रेम जगेगा, नहीं तो प्रेम कहाँ से जगेगी। इसलिए भगवान की कथा बड़े मीठी दवा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परिचित, तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई ध्यान ज्ञान कुछ नहीं, कि बच्चों को बता दो, चले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल बैठो और भगवान की कथा सुना। कथा सुनते सुनते जब तक तुमको यह अनुभूति नहीं होगी हम संसार से पार हो गए तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। तब उन्होंने बताए बोले जिस समय कंस ने अत्याचार की, बोले मेरे देश में कोई भी भगवान के नाम नहीं जप कर सकते हैं, मेरे देश में भगवान के लिए कोई यज्ञ नहीं कर सकते हो, मेरे देश में कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, जो करेगा उसको सब जेल में बंद कर देंगे। और कंस सबके सब उन्हें जेल में बंद कर दिया। और संत लोग बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नारायण गोविंद जय जय समझाए। बोले देख बहनी का शादी है,
अगर बहन को मारोगे ना, जब तक तू जिंदा रहोगे दुनिया क्या बोलेगा, बहन का हत्यारा। ऐसे रहना नहीं रहना बराबर है। बोले आकाशवाणी नहीं सुनी, बोले हमने भी सुनी है। बोले कम से बताओ तू मरोगी नहीं, आज नहीं तो 100 साल बाद मरोगे, मरोगी नहीं? बोले मरूंगा। बोले तू जब मरोगे कौन मरता है? ये शरीर, ये आत्मा नहीं मरती है। ये आत्मा न जायते न मृत अजित है। जैसे एक कपड़ा पुराने हो जाने पर हम उसको छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा शरीर को छोड़ करके एक नए शरीर को धारण करता है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये अग्नि इसको जला नहीं सकती, पाई में सूखने वाले नहीं, पानी में भीगने वाले नहीं। ये आत्मा ये सड़ विकार से अतीत है। इसलिए फिर जब मारोगे फिर अपना बहने को क्यों मारोगे? कभी मारना छोड़ना छोड़ना नहीं जा रहा था। बोले देख तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ ये तो बात सही है। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जितने सब बच्चे होंगे ना, मैं एक एक करके सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा, लेकिन ये देवों की तो तुम मत मारा करो। अभी ठाकुर को जो इच्छा है तो उसने छोड़ दिया, लेकिन जब पहला बेटा हुआ तो उन्होंने पहले बेटे को लेकर के उन्होंने किसको प्रदान की? कंस को। कंस का था हृदय पिघल गया कंस की। बोले कितने सत्यवादी था जो कि अपना बच्चे को काल को हाथ में देना प्रसन्न हो गया। बोले ये बच्चे को तू ले ले, अष्टम बच्चे से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी कब आएंगे? जब पाप की घड़ा बजेगा। अगर देवती का प्रति इतना स्नेह होगा तो ठाकुर मारेंगे कैसे? बस नारद जी बिना बजाते बजाते वहां पर पहुंच गए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय। नारद जी एकांत में एक बगीचा में कंसों को बुलाए। बोले देख कंसों अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। देखा पितामह ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर तो मीटिंग कर रहे थे। जानते हो क्यों? सावधान, ये जितने जदुवंशी कोई नहीं देवता लोग हैं, ये जितने गोपी देख रहे हैं ना कोई नहीं, सब देवियां, ये सब प्लानिंग करके तेरे को मारने के लिए आए। सावधान कंस। तब उन्होंने एक फूल लाए थे, कमल फूल, जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले बताओ तो इसमें पहला कौन, आठवां कौन? बोले गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ गया? बोले गुरु जी, गुरु के बगैर तो ज्ञान होता ही नहीं, आप ही बताओ। बोले समझ में नहीं आया? देख देवताओं का बात समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से 1 2 कर रहे हो, अगर उल्टा से 1 2 करे तो क्या हो जाएगा? जिसको 1 कर रहे हो वो हो जाएगा 8। और ये सब बड़े होएगी कि नहीं? सब बड़े होकर जब भीड़ करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी अरे सबको मैं मार डालू? बोले मैं क्यों बताऊ, तू जानता, तेरे बाप जानता। भड़का दिया सबसे। और नारद जी भाग गए। इतने में कंस को क्रोध आया। बोले देवकी बताओ तेरे बच्चा कहाँ है? जोड़ जबरदस्ती छीन करके ऐसे करके उन्होंने 6 बच्चों को मार डाला। यहाँ प्रश्न होता है नारद जी इतने बड़े संत होकर बच्चों को क्यों मरवाए? हाँ ध्यान देकर सुनो, ये जो बच्चे हैं ना ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा की मानस होते थे। एक दिन ब्रह्मा जी सरस्वती सुंदर एक लड़की को जन्म दिया। सचमुच से वो लड़की इतने सुंदर थी, ब्रह्मा अपना बेटी को प्रति आसक्त हो गए और उसको पीछे ब्रह्मा जी भागे। इतने में बेटी ने हिरण बन गई, ब्रह्मा जी हिरण बनकर भागे। और ये 6 बच्चे हंस रहे थे, देखो ये बुरे को अपना बेटी को पीछे भाग रहा है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। बोले मेरे क्रिया को देखकर हंसी उड़ाए, मैं अभिशाप देता हूँ, तुम लोग अपना पिताजी को हाथ में 3 जन्म तक मर के मुक्ति मिलेगी। 2 जन्म मर चुके हैं। कंस पहले ये काल में नहीं था, उसको बच्चे बन करके आए थे, कोई काल में भी कंस बन करके आए। इसी जीवन में जितने जल्दी मरेंगे उतना जल्दी उद्धार होगा। उन्होंने मरवाया नहीं, उद्धार करवाया। कर ये एक अर्थ है। दूसरे अर्थ समझो, भगवान अष्टम गर्भ में क्यों आए? सप्तम गर्भ में नहीं, छठवा में क्यों नहीं आए? अच्छे तरह समझो,
कर अगर कोई भगवान को हृदय में बैठाना चाहते हो, कहते हमारी सबसे बड़े शत्रु अंदर में बैठा हुआ, बाहर नहीं है। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य अंदर में बैठा हुआ। पहले ये छह बच्चों को मारो। सप्तम गर्भ में कौन आए? बताओ भैया, बलदेव प्रभु। तो ये बलदेव प्रभु कौन है? तो ये संधि शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, मतलब है भगवान को जो धारण करने वाले, भगवान की जो सेवा करने वाले, पंच रसों और दस शक्ति से जो सेवा करते। ताऊ भैया, फिर अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले श्री कृष्ण कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये एक अर्थ। दूसरी अर्थ किया, इसको अच्छा कर समझो, जो कि बड़े रहस्यपूर्ण बात है। जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव होता है, इसलिए उसी तरह भक्ति की आठ सीढ़ियां हैं। भक्ति का सबसे पहले सीढ़ी की आप ले श्रद्धा। जैसे आप लोगों को सभी के अंदर में श्रद्धा है, तभी तो यहाँ पर बैठे। श्रद्धा नहीं होता तो यहाँ बैठते नहीं, घर में टीवी खोल कर बैठ के देखते। ये भक्ति का पहला स्टेज है। उसको बाद में जब यहाँ पर आए, दूसरी स्टेज साधु संग, फिर संतों की संग मिला। कितना बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनो सुलभ नाश हुई। दूसरे जो सही सत्संग, जैसे सुन रहे हो, बोले तीसरा संग क्या है? तीसरा स्टेज बोले भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब क्या? जब संतों का संग करेंगे तभी तो ज्ञान उपजेगा ना। क्या ज्ञान मिलेगा? ये मानव शरीर 84 लक्ष जीवन के बाद मिला। भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देते हैं, कहते लाख 84 ब्रह्म के ये नरु तक दे। ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति के दरवाजा पर हम पहुंचे। अगर इसी जीवन में भजन नहीं किया है तो वही 84 लक्ष जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, ये जीवन पाके भगवान की भजन करो और संसार से पार हो जाओ। ये साधु संग से ये ज्ञान मिलेगा, फिर क्या होगा? भगवान की भजन करना शुरू करेगा, भगवान की भक्ति करना शुरू करेगा। बोले चौथा सीढ़ी क्या है? बोले अनर्थ निवृत्ति। जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे, फिर हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ है, धीरे 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 हृदय से ये सारे अनर्थ अपराध दूर होते जाएगा। बोले भैया पंचमा स्टेज क्या है? बोले रुचि। ये चीज को समझो, रुचि मतलब होता है मीठा लगना। आप लोगों ने मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री खाए? हाथ उठाओ तो। खाए हो? बस एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर दे पाता है। मिश्री खाने में कैसी लगती है? मीठी। लेकिन मिश्री की किसको किसको कड़वा भी लगता है, आप बता सकते हो? मिश्री किसको कड़वी लगती है? इसका दांत ना हो तो कौन बोलेगा मिश्री किसको कड़वा लगती है? बोलो किसको? जोर से बोलो। हाँ, कहते जिसको जंडिस का बीमारी, पीलिया की रोग हुई है ना, आप देखना वो जो कुछ खाए, मिश्री खाए, उसको कड़वा लगेगा। इसी तरह भगवान का जो नाम, जो भक्ति है, वो सबसे मीठी। इससे मीठी कुछ भी दुनिया में नहीं। तभी तो शंकर जी पंचम मुंह में प्रभु का नाम लेते हैं ना, तभी तो माँ पार्वती हाथ में माला लेकर भजन कर रही है, तभी तो ब्रह्मा प्रभु के नाम कहते हैं ना, तभी तो हमारे हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, तभी तो प्रभु का नाम कर रहे हैं। लेकिन हमें अच्छी क्यों नहीं लगती? हमें भगवान की नाम भक्ति अच्छी क्यों नहीं लगती है? हमारे पूर्व जन्म का पाप है, पाप। इसलिए पापियों को भगवान की नाम अच्छी नहीं लगती, कथा भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए पहले कोई मेडिसिन नहीं होता था, डॉक्टर बोलते थे देखो मिश्री तो मीठा लेकिन तेरे को कड़वी लगी, लेकिन चुस्ते रहे, चुस्ते चुस्ते धीरे धीरे कड़वी खत्म हो जाएगी, फिर मिश्री मीठा लगेगा। जब मिश्री मीठा लगने लग जाए ना, समझना बीमारी सही, बीमारी सही हो गई। तो ये चीज को समझो, भगवान का नाम हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कहते भैया जोर जबरदस्ती बैठो, नहा धो करके माला लेकर के हरि का नाम जप करो। प्रभु का नाम जप करते करते क्या होगा? धीरे धीरे हृदय में जो पाप है, जो अनर्थ है, वो धीरे धीरे ये चीज हमारे हृदय से साफ होती रहेगी। इसलिए इसको कहते रुचि। उसको बाद में छठवां स्टेज बोलते कहते रुचि निष्ठा फेरा। निष्ठा मतलब क्या है? फिर हम इतने पक्के बन जाएंगे ना
भैया जैसे जीवन में जितने दुख कष्ट आने पर भी भगवान की भजन नहीं छोड़ेगी, जैसे मीरा को ऊपर में बताओ कितने कष्ट नहीं आए, उनको जहर देने के लिए कोशिश की मारने के लिए, चार पंच पांडवों को 12-13 साल तक जंगल में भटकना पड़ा, द्रौपदी की वस्त्र हरण हुई, जब उनको मारने के लिए आग लगा दी गई, लेकिन प्रभु की भजन छोड़े क्या? नहीं छोड़े। जब निष्ठा हो जाती है ना, जो कुछ हो जाए प्रभु की भजन कभी नहीं छोड़नी चाहिए, माला कभी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। उसको बाद में आसक्ति, ये जब आसक्ति और भाव आती है ना, कभी कभी ठाकुर की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी लगेगा ठाकुर जी स्पर्श कर रहे हैं, कभी कभी लगेगा ठाकुर जी अधरा पर दिलाए, कभी कभी ठाकुर जी के चरण के नुपुर की आवाज सुनने को मिलेगी। और जो प्रेम जो अष्टम स्टेज है ना, ये ठाकुर जी के प्रेम, प्रेम मतलब साक्षात भगवान सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी अष्टम गर्भ में इसलिए आए हैं, ठाकुर जी अभी ठाकुर जी आने वाले, अभी मातृ गर्भ में जब देवकी आई, 33 करोड़ देवता आ करके भगवान को गर्भ स्तुति कर रहे थे, ठाकुर जी को स्तुति कर रहे थे, बोले सत्य प्रथम सत्य परम सत्य सत्य सजोनी सत्य 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 मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वानुसरणं प्रपद्ये। सारे देवता लोग स्तुति कर रहे थे, अभी ठाकुर आने वाले, एकदम ये पृथ्वी एकदम दुल्हनी जैसे ये पृथ्वी सब धज गई। बोले पृथ्वी क्यों खुश हो रही थी? बोले भगवान सत्ययुग में बराह अवतार में पृथ्वी को उधार किया था, तृतीया युग में माँ सीता की प्रकट हुई, वहीं से भगवान की सासुर सास माँ बनी, द्वापर युग में वही सत्यम माँ बन करके आ रही थी। ठाकुर जी नंगे पैर में भ्रमण करेंगे, पृथ्वी खुश हो रही थी, और जमुना नदी तो कलकल कलकल नहात से जमुना बह रही थी। बोले क्यों? बोले भगवान अपना घर को पटनानी बनाएंगे। भगवान अष्टमी की रात में प्रकट हुए, अष्टम का जो चंद्रमा आधा होता है, लेकिन उसी दिन एकदम पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गई, और कमल फूल खिलता है रात दिन में, लेकिन आज रात में कमल फूल खिल गया, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी देवकी वसुदेव की कारागर में ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय हो, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय हो। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, देवकी बोली प्रभु आप तो मैंने बच्चे रूप में प्रार्थना की थी, भगवान बोले देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में छोड़ करके वहां से बेटी को ले आना, और मेरे को अपना सर पर रखो, दरवाजा अपने आप खुल जाएगी, हक्कर बड़ी अपने आप खुल जाएगी। और सर पर लेकर के जो जा रहे थे आनंद देव, उनको छत्र रूप में धारण किए हुए थे, यमुना में जब प्रवेश किए, यमुना नदी में सोच रही थी मैं भी ठाकुर का स्पर्श करूं, और उन्हें चरणों को ऐसे चपड़ के, इसलिए उन्होंने चरणों को जब पीछे बढ़ाया, यमुना महारानी ठाकुर जी का स्पर्श की, बस वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आज हम लोग ने बोला, आज हम लोग ने कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए सुने, कल हम सुनेंगे ठाकुर जी कैसे गोकुल में नंद के लाला रूप करके आते हैं। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय जय श्री राधे। अभी भगवान जन्म गए हैं, हमारे गोविंदलाल जी बड़े सुंदर सुंदर बधाई जाएंगे, और भगवान कीर्तन में जो नाच सके, देखो कोई खड़े हो जो नाचने वाले, ठीक है, और भगवान की जन्म उत्सव में जो नाचेगा उसको 84 करोड़ जन नाचना खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कन्हैया आ जाओ वसुदेव महाराज आगे आ जाओ, तो लाला मां का में प्रकट भयो और गोकुल में यशोदा यार प्रभु जी कहते हैं। हां देखो आज जो प्रसाद की जो व्यवस्था है, धर्मराज त्यागी जी और बहुत चौधरी आज आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था किए हैं, आप इनके लिए ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ।
देखो भगवान की कथा में जो प्रसाद देते हैं ना, ठाकुर जी कहते हैं उसकी घर में कभी अन्न वस्त्र के अभाव नहीं हो। क्यों? ठाकुर जी को भोग लगेगा, इतने सारे मुंह में जाएगा ना प्रसाद। ठाकुर जी के खूब भक्ता हो, दोनों बुला धोता है। धर्मराज जी और बबुल जी कहा, इधर आ जाओ धर्मराज और बबुल आ जाओ। मथुरा में प्रकट भयो वसुदेव देवकी है और यशोदा मैया के प्रकट अवस्था में गोकुल में नंद बाबा के लगभग 80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के कन्हैया और जन्म भयो। आओ समस्त प्रेमियों गोपियों चलो चलो भैया, संपूर्ण मन से भैया चलो, मधुबन में चलो भैया चलो चलो, नंद के द्वार पर बधाई लेने चले। I'm